माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। सुरेंद्र कुमार जी 280, नियम 280 के तहत। रामवीर सिंह विधूड़ी जी, आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अरविंद केजरीवाल की सरकार की उस घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इसी हाउस में यह कहा गया कि एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट की मार्केट गांधीनगर का कायाकल्प किया जाएगा। ये भी कहा गया कि दिल्ली की जो पांच और बड़ी मार्केट्स हैं, कमला नगर, लाजपत नगर, खारी बावली, कीर्ति नगर और सरोजी नगर, इनको रीडेवलप किया जाएगा और इन मार्केट्स के रीडेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया 2022-2023 के बजट में। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक गांधी मार्केट का कायाकल्प करने का कार्य शुरू हुआ नहीं। इन पांच मार्केट्स में रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ नहीं। सरकार ने यह कहा था कि हम इन मार्केट्स में बिजली, पानी, सड़कों का सौंदर्यकरण, फायर आदि की बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करेंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आज इन मार्केट्स में यदि आप जाएंगे तो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। रीडेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, कायाकल्प की बात छोड़ दीजिए, आप गांधी मार्केट में जाइए, आप कमला नगर मार्केट में जाइए, लाजपत नगर मार्केट में जाइए, खारी बावली में जाइए, कूड़े के ढेर लगे हुए, सफाई की भी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब हमने ये फैसला किया कि हम इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाएं। सरकार की ओर से जो घोषणा की गई है या जो दिल्ली के लाखों व्यापारियों को जो सपने दिखाए गए हैं, घोषणा सच साबित हो, जो सपने दिखाए गए हैं वो सपने हमारे लाखों व्यापारियों के पूरे हों, तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दिल्ली के लाखों व्यापारियों की ओर से, मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट की मार्केट गांधीनगर का कायाकल्प करे और जो अन्य मार्केट से जिनकी मैंने चर्चा की है, जिनके ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खर्च करना था, वह पैसा इन मार्केट्स के रीडेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए। लाखों व्यापारियों को एक अच्छा संदेश इस हाउस के माध्यम से आज जाना चाहिए और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अगर कुछ जानकारी अगर सभी विधायकों को उपलब्ध करा दे तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अजय दत्त जी, नाम गलत पुकार दिया अध्यक्ष ने, कोई बात नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आशा वर्करों की ओर दिलाना चाहता हूं और मेरी असेंबली में भी लास्ट वीक भी डेलीगेशन आशा वर्करों की आई थी।
आशा वर्कर हमारे हेल्थ सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और फ्रंट लाइन वर्कर का काम करती हैं। लगभग हर मोहल्ले, हर गली और हर घर तक आशा वर्कर का जाना होता है और बर्थ से लेकर डेथ तक का सारा ब्यौरा भी यही रखती हैं। जच्चा बच्चा और सीनियर सिटीजन, इनकी हेल्थ सिस्टम के अंदर पूरा इनका तमाम व्यवस्थाएं अरेंजमेंट्स कराना इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कोविड पीरियड के दौरान भी जब व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच करने से इन्फेक्शन की वजह से, डर की वजह से एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था, उस दौरान में भी इन आशा वर्करों ने घर घर जाके ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल चेक करना और तमाम सुविधाएँ जो भी अवेलेबल थी वो सारी घर घर तक मुहैया कराई। और इसके अलावा तमाम जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराने में इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन आशा वर्करों को कई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ना तो इनकी कोई मिनिमम वेज है, ना इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी पर्सनली अपने या परिवार के लिए मिलती, ना रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई बेनिफिट होता। और ये तमाम इश्यूज़ को लेकर आशा वर्कर मेरे पास ऑफिस में मिलने डेलीगेशन आई थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आशा वर्कर जो इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारे हेल्थ सिस्टम में प्ले करती हैं, इनके लिए कुछ सोचा जाए, कोई मिनिमम वेज का कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे इनका भी परिवार है, सारी सुविधाएं इन तक भी पहुंचे, बेसिक फैसिलिटी जो ये दूसरों तक पहुंचाना चाहती हैं, कम से कम इनको और इनके परिवारों को भी वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और आपने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय दत्त जी, दीक्षा जी, सबसे पहले तो आपको इस सीट पर बैठे हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और आपने जब भी सदन की बैठक को की अध्यक्षता की है बहुत अच्छे रूप से चली है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के मुद्दे पर 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर कई लाख कैमरे लगाए गए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि दिल्ली के अंदर कई लाख कैमरे लगे और दिल्ली को बहुत सुरक्षित बनाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा की जाए और जितने भी वारदात दिल्ली के अंदर होती हैं उसको रोका जाए, जो कैमरे में आए। और उसके बाद हमने ये देखा पिछले कई सालों में कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो भी कैमरे लगाए गए उनसे बहुत सारे केस सुलझे, पुलिस को बहुत मदद मिली। अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र में लगाए गए कैमरों पे और जो कैमरे नहीं लगे हैं, जो बच गए उन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अंबेडकर नगर में करीबन एक फेज में 1600 कैमरे लगे और बाकी कैमरे पेंडिंग हैं। सेकंड फेज के कैमरे लगने शुरू हुए, उसमें भी करीबन 600 कैमरे पेंडिंग है। और जो एजेंसी फर्स्ट फेज के कैमरे लगा रही थी उसका कुछ अता पता नहीं है, जो जिस एजेंसी ने फर्स्ट फेज के कैमरे लगाए उसने उसकी मेंटेनेंस करनी बंद कर दी है। तो बहुत सारी जगह कैमरे बंद हैं। मेरा एरिया एक ऐसा है जहां बहुत डेंस पॉपुलेशन है और आए दिन अखबारों में चोरी और कई सारी वारदातों के में क्षेत्र में जो वारदातें थी उसमें नाम आता है। पहले ये सब रुक गए थे क्योंकि एविडेंस मिल जाता था, लेकिन कैमरे ना चलने की वजह से बहुत सारी जगह बाइक चोरी हो रही हैं, बैटरियां चोरी हो रही हैं और लोग मुझे आके कहते हैं भाई आप अपने कैमरे की फुटेज दिखाओ, जब देखने जाते हैं तो कैमरे बंद पाए जाते हैं। दूसरे फेज में जब कैमरे लगाए उसमें भी करीबन 600 के आसपास कैमरे नहीं लगे हैं। और मैंने PWD को इसके बारे में लिखित में भी दिया, मैंने हमारी PWD मिनिस्टर को भी इसके बारे में लिखित में दिया, मीटिंग हुई, PWD मिनिस्टर अतिशी जी ने इस पर संज्ञान भी लिया, उन्होंने ऑर्डर भी किए कि ये जितनी भी पुराने कैमरे हैं उसकी मेंटेनेंस हो और जो नए कैमरे हों जल्दी से लगें। तो जो नई एजेंसी आई है उसने भी अब काम करना बंद कर दिया है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, आए दिन समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि PWD को आप आदेश दें कि जितने भी कैमरे लगे हैं एक तो उसकी मेंटेनेंस हो और जो बाकी कैमरे बच गए हैं उनको लगाया जाए। और एक और इशू जो देखने में आया है वो ये है कि जितने नए कैमरे लगे हैं वो अलग अलग लोगों के घर से मीटर से जोड़े गए हैं जिसमें सब्सिडी देनी बाकी है, वो भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन कैमरों को विड्रॉ करना
चाहते हैं क्योंकि उनके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। बहुत तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन तीनों चीजों पर संज्ञान लें और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आप दिशा निर्देश दें। अध्यक्ष जी, अध्यक्षता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जर्नैल सिंह जी। थैंक यू स्पीकर साहिबा। स्पीकर साहिबा, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला अपनी विधानसभा का आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पंजाबी में कहावत है, सड़ ना रीस कर। ये कहावत उन लोगों के लिए कहा गई है जो दूसरे के काम को देखकर ईर्ष्या करते हैं, और उनको कहा गया है कि आप भी कंपटीशन करो, आप बराबरी करो, आप जलो मत। मेरे क्षेत्र में विकास कुंज नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में मैंने साल 2020 के अंदर, लगभग 4 साल पहले आज से, एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, दिल्ली सरकार की तरफ से बनवाया, प्रॉपर टेंडर होकर वो बैडमिंटन कोर्ट बना। और वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनने के बाद उस कॉलोनी वालों में इतनी खुशी थी कि लगातार मैं भी वहाँ जाता रहा और वहाँ पर लोग बैडमिंटन खेलते थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक सब खेल रहे थे। अब जैसे ही ये 2024 शुरू हुआ, लगभग एक हफ्ता पहले DDA द्वारा ये नोटिस दिया जाता है, मतलब पब्लिक के पैसे से पब्लिक लैंड के ऊपर पब्लिक के फायदे के लिए कोई सर्विस हमने दी है, कोई सुविधा दी है, और DDA को परेशानी हो रही है। अब DDA कौन संभालता है, DDA किसके कहने पर ये नोटिस देता है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। मैं फिर भी बता दूँ, वहाँ के निगम पार्षद भाजपा से हैं और वहाँ के सांसद भी भाजपा से हैं, जिनके कहने पर ये नोटिस दिया गया। अब ये नोटिस 17 फरवरी 2024 को इशू होता है और उसके लगभग एक हफ्ते बाद उस बैडमिंटन कोर्ट को, जो कि सरकारी पैसे से बना है, उसको तहस नहस कर दिया जाता है, बुलडोजर से उसको आकर पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर वहाँ के लोगों में बहुत रोष है। अब होना तो ये चाहिए था भी, केजरीवाल सरकार कुछ काम करा रही है तो इनको भी उससे सीखना चाहिए था, ये भी करवाते वहाँ पर ऐसे काम। उस कॉलोनी में हमने सड़कें बनवाई हैं, उस कॉलोनी में हमने बाउंड्री वॉल बनवाई है, उस कॉलोनी में हमने CCTV कैमरे लगवाए हैं, उस कॉलोनी में हमने ऑटोमेटिक बूम बैरियर लगवाए हैं, वहाँ पर बाउंड्री वॉल के ऊपर फेंसिंग करवाई है, कैमरे लगवाए हैं, लाइटें लगवाई हैं, बेस आप काम करवाए हैं। तो अब इन्होंने एक बहाना दे दिया भी, इस चीज़ के लिए आपने कोई NOC नहीं ली थी, ऐसे तो अब सड़कें भी तोड़वा दी जाएंगी, कैमरे भी हटवा दिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को के ऊपर DDA कुछ, मतलब DDA को हम यहाँ से कोई ऐसी डायरेक्शंस दें कि जो काम पब्लिक के लिए हो रहे हैं, मतलब झुग्गी बन जाती है या कुछ अलग तरीके के इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, वहाँ पर DDA नहीं जाता। अलग अलग तरीके के कई बार किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, वहाँ DDA सालों साल नहीं जा रहा। और जो चीज़ पब्लिक के फ़ायदे के लिए बन रही है, वहाँ पर DDA इतनी सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो BJP वालों की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी और इस तरीके के काम करवा रहे हैं, मेरे को लगता है जनता जो वहाँ के इस समय पूरी रोष में है, मेरे को छोटे बच्चे मिले, बड़े लोग मिले, हर आदमी पूरे रोष में था। और मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसे तानाशाही सोच वाले, ऐसे घटिया सोच वाले लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। इस सदन में ये मामला उठाने से मेरा सिर्फ ये मकसद था कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए, स्पीकर साहिबा, ऐसी कोई डायरेक्शंस यहाँ से इशू की जाए ताकि पब्लिक के पैसे का इस तरीके से जो है, मतलब निरादर ना हो, उसको, उस प्रॉपर्टी को ऐसे खराब ना किया जाए। थैंक यू स्पीकर साहिबा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी विधानसभा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में दिल्ली सरकार की एक डिस्पेंसरी थी, जो मैंने पहले भी सदन में एक दो बार इस मुद्दे को उठाया है। उस डिस्पेंसरी को पॉली क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया, पॉली क्लिनिक में पास करा गया कि इसका रिनोवेट करके इसमें पॉली क्लिनिक बनाया जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा और आसपास की विधानसभाओं में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो इस डिस्पेंसरी का टेंडर हो गया, टेंडर के बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू करा तो पाया कि बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, तो उन्होंने इसके लिए एक जांच के आदेश कर दिए। वो जांच इतनी लंबी चली, थर्ड पार्टी जाँच के आदेश हो गए, फ्लड विभाग द्वारा ये डिस्पेंसरी बनाई गई, फिलहाल डिपार्टमेंट ने वो जांच को इतना लंबा टाल दिया, इतना लंबा टाल दिया कि वो जांच बहुत टाइम के बाद तो वो जांच होकर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद भी 2 साल कोरोना काल में गुजर गए, कोरोना काल के बाद फिर 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसका काम आज तक दोबारा शुरू नहीं हुआ और ये खंडर बनी पड़ी है।
और मेरे आपके माध्यम से यही अनुरोध है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वास्थ्य में, शिक्षा में इतने बेहतरीन काम कर रही है, दिल्ली सरकार बनाना चाहती है, लेकिन अधिकारी कौन अधिकारी ऐसे हैं जो इसको रोकने पर लगे हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये दरख्वास्त, ये अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द उन अधिकारियों को आदेश दिया जाए। और मंत्री जी के द्वारा मैंने सत्येंद्र जैन जी को भी पहले कई लेटर दिए थे, और अब जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को भी मैं लेटर दे चुका हूँ, लेकिन ना इस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस डिस्पेंसरी को जल्द से जल्द बना दिया जाए, जिससे वहाँ की जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विशेष रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आज दिल्ली के जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं उनके जो मुद्दा है उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। मैडम, वैसे तो आज हाउस के अंदर चर्चा भी लगी हुई है, लेकिन ये कल मैंने 280 में लगाया था तो वो आ गया है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ उसके ऊपर। दिल्ली के अंदर लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जो पिछले चार महीने से लगातार जो है वो अपनी मांग को लेकर जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ये 1/11/2023 से ये लोग जो है लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं। इन सबको जो है 4 महीने पहले अचानक जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के जो है निकाल दिया गया, और तब से ये लोग धरने बैठे हुए हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मैडम वो लोग हैं जो इस समय दिल्ली सरकार के अंदर 40 लगभग ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो पीछे स्टाफ में बैठ के काम करते थे, विंडो पे कहीं पे काम करते थे, कहीं पे SDM को असिस्ट कर रहे थे, कहीं के ऊपर जो है वो जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हमारा वहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। और इन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जो है जब कोरोना आया तो उस समय जो है फ्रंट लाइन जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी काम किया। दिल्ली सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, जिसमें जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसी योजनाएं थी, अन्य जितनी भी योजनाएं थी, हर जगह जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन ये अभी पिछले 4 महीने से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं वो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में इनका गठन हुआ, तब से ही जो है अलग अलग सेवाएँ अपनी दे रहे हैं, और समय समय पर जो है संशोधन करके इस एक्ट में जो है इनकी सेवाओं को जो है जोड़ा गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी जो है इनको लाया गया है, वहाँ भी इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। तो इस समय ये सभी वर्कर्स जो है बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। महीनों से इनके घर में राशन की, बच्चों की फीस की, अन्य सेवाएं जो हैं वो नहीं इनको मिल पा रही हैं। जैसा मैंने कहा कि आज सरकार जो है इस पे सरकार के द्वारा यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है चर्चा भी की जा रही है, और मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार जो है बहुत गंभीर है इनकी समस्याओं को लेके, और आज की चर्चा और कल की चर्चा के बाद एक प्रस्ताव जो है वो जल्दी ही LG महोदय के पास चले जाएगा, जिससे इनकी समस्याओं को जो है हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। राजेश ऋषि जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, जो आपने 280 में मुझे अपने क्षेत्र की समस्या को रखने के लिए मौका दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्वास्थ्य का जो सपना देखा था वो दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरा हुआ। हमारी जनकपुरी की जनता के लिए ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। हमारे सत्येंद्र जैन जी जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इसका शुभारम्भ किया। इसमें वर्ल्ड क्लास कैथ लैब लगी हुई है जो हार्ट के इलाज के लिए काम में आती है। यहाँ पर 7 नए ऑपरेशन थिएटर बने हैं जो इतने खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें CC यूनिट्स बनी है 10-10 बेड की। इसके अंदर ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, इन 4 चीज़ों का इलाज होता है। या MRI भी लगी है जो मुफ्त में होता है, या कैट स्कैन भी मुफ्त में होता है, या सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं। और साथ ही इसके साथ एक कैंसर इंस्टीट्यूट है। ये कैंसर इंस्टीट्यूट दिलशाद गार्डन में, जो हमारा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट है उसकी एक ब्रांच है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमारा जो जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर बना हुआ जो दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसमें 10 कीमोथेरेपी के बेड लगे हुए हैं, इसमें केवल OPD चलती है। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं,
डॉक्टर्स हैं तो केवल जीआर हैं, जीआर कुछ नए आते हैं, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर नए आते हैं, क्योंकि संचालन जो दिलशाद गार्डन से हो रहा है वो हो नहीं पा रहा। ना वहाँ से कोई सीनियर डॉक्टर देखने आता है, ना वहाँ के डायरेक्टर वहाँ पे कभी आते हैं। कई बार मैं बुलाता हूँ, आएंगे एक एक महीने के बाद टाइम देंगे, उसके बाद भी पता चलता है कुछ नहीं करते वो। इस एक जमाना था यहाँ पर डायरेक्टर थे राजेश ग्रोवर, जिन्होंने दिलशाद गार्डन में जो दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट और जनकपुरी जो कैंसर इंस्टीट्यूट है इसको इतना बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलाया। हर इलाज हो जाते थे, उनको फ़ोन करो सारे काम होते थे। उन्होंने तो ब्लड कैंसर का इलाज करने के लिए भी सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन उस समय के चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब ने उनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन ले लिया। उसके बाद से इस हॉस्पिटल की स्थिति बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। मेरे इस दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर 1 करोड़ रुपए की मशीन लगी हुई है लीनियर एक्सीलेटर, जिसको एक बंकर बनाने के लिए भाभा एटॉमिक सेंटर से इंजीनियर्स आए थे जिन्होंने बनाया और उसके अंदर इस मशीन को लगाया गया। लेकिन ये मशीन लगभग 6-7 साल से बंद पड़ी है, इसके अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं। मैंने अपने नेता अरविंद मनीष सिसोदिया जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको मैंने लेटर दिया कि ये दिलशाद गार्डन से चल नहीं पा रही, क्यों ना इसे दिल्ली जनक हमारे जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हैंड ओवर कर दिया जाए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स तैयार थे, वो बोले कि हमारे पास न्यूक्लियर डॉक्टर्स हैं जो इन मशीनों को चला सकते हैं, जबकि दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के पास ऐसे डॉक्टर नहीं है। तो इसीलिए इसको ट्रांसफर के लिए दिया। मनीष जी ने सुबह कार्रवाई शुरू की, उसके बाद ये कार्रवाई चलते चलते आज 1 साल से ऊपर हो गया, ये आज तक ट्रांसफर नहीं हो पाई, जबकि डॉक्यूमेंट्स बन गए सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने इनको ट्रांसफर नहीं किया, जिसके कारण आज ना तो वहाँ डॉक्टर्स हैं, ना वो डॉक्टर्स भेज रहे हैं, ना ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, वो भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने भी देखा कि इतना शानदार हॉस्पिटल है, इतनी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, सारी दवाइयों के लिए शानदार लाइनें लगी हुई हैं। उनको मैं ऑपरेशन थिएटर दिखा के लाया कि देखो ये ऑपरेशन थिएटर्स बन के तैयार हैं, हैंड ओवर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा पेच फंस गया है कि जिसमें आप सर्जरी के डॉक्टर्स नहीं रख सकते। जब सर्जरी के डॉक्टर नहीं होंगे तो वो हॉस्पिटल चलेगा कैसे? मेरा यही आपसे कहना है कि आपके माध्यम से ये दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट जो है उसको जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ट्रांसफर कराया जाए और कैंसर हॉस्पिटल से ट्रांसफर हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो लीनियर एक्सीलेटर करोड़ों रुपए की मशीन पड़ी है, ये हमारे न्यूक्लियर साइंस डॉक्टर्स जो हैं दिल्ली जनकपुरी के, वो इसको चला लेंगे और जनता के लिए जो लगाया गया इतना बड़ा पैसा है वो किसी के काम आएगा। मेरे को आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैडम, मैं अपने विधानसभा का जो अनऑथराइज कॉलोनी है मैं उसके तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। अनऑथराइज कॉलोनी में 2007 के नक्शे में जो कॉलोनियाँ हैं उसमें तो डेवलपमेंट हो पाता है, उसके बाद की जो कॉलोनी एक्सटेंशन हुई उस पर कोई काम नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि चूंकि 2007 का जो नक्शा था उसके बाद जितने भी एक्सटेंड हुए उसका कभी उसको ऐड नहीं किया गया। कई बार हम लोग MLA फंड से वो काम करा देते थे, लेकिन अब जैसा सदन में पिछली बार भी चर्चा हुई कि अब वहाँ भी काम करने के लिए कहा लैंड ओनिंग एजेंसी का NOC चाहिए। अब चूंकि अनऑथराइज कॉलोनी है तो वहाँ पे लैंड ओनिंग एजेंसी तो UDE होना चाहिए, अब उसमें कह दिया है DDA का NOC दो। अब वो DDA के पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है वहाँ के NOC देने का। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि उस एरिया में डेवलपमेंट जो हमारा है MLA फंड हम लगा नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, मेरे यहाँ ऐसी 42 कॉलोनियाँ जो एक्सटेंड हो चुका है। एक तो सॉल्यूशन इसका ये है कि केंद्र सरकार जैसे 2007 में एक टाइमलाइन दे करके RWA कहा था कि नक्शा सबमिट करो ताकि उसमें लीगली हम विकास कर पाएँ, और जब तक ये नहीं होता कम से कम MLA फंड जो हम लोग लगा रहे थे MLA फंड लगाने दिया जाए, अन्यथा बारिश के मौसम में वहाँ के लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। तो हम चाह करके भी आज हमने 20-22 फाइल हमारा अनऑथराइज कॉलोनी में ऐसी कॉलोनियों में सड़कों के लिए दिया था लेकिन सारा वापस आ गया। तो मैं आपके माध्यम से ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो NOC की बात ये कह रही है UDE ये ठीक नहीं है, पहले ऐसा नहीं था या अभी 6 महीने से ऐसा होने लगा है।
तो इसको हटा दिया जाए ताकि हम कम से कम एमएलए फंड वहाँ लगा पाएँ और वो तमाम हमारी कॉलोनी हमारे विधानसभा की कॉलोनियाँ जहाँ सड़कों की ज़रूरत है वो सड़क बन पाए। धन्यवाद। प्रवीण कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष जी बहुत पहले एक कुछ भजन आया था जिसमें चार लाइनें ये थी कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स के लिए और बस मार्शल्स के लिए कांटे बनने का काम किया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल्स की जॉब दी जाती है, अलग अलग विभागों में जॉब दी जाती है और उनकी लगातार तनख्वाह भी आती है, लगातार सुचारू रूप से सही चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो गवारा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया एलजी के माध्यम से। ये बहुत ही दुख की बात है अध्यक्ष जी। और कल मैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से कल भी मिला था, परसों भी मिला था, क्योंकि कई सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मेरे क्षेत्र में भी रहते हैं। बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये उनकी युवावस्था है जब उनका स्ट्रगलिंग टाइम है और परिवार में समझ लीजिए एक ही व्यक्ति है जो कमाने वाला है और पिछले 4-5 महीने से वो बेरोज़गार बैठा है, ना उसकी तनख्वाह आ रही है, ना उसके घर में राशन है। मतलब कई सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर कहते हैं कि हम सर हम आत्महत्या करने को भी इस समय जो है मजबूर है, इस तरीके की बातें जो है इस समय करते हैं, इतने दुखी हैं वो। एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर को जो जानता हूँ, राजेश नाम है उसका, वो पिछले 20 साल से सिविल डिफेंस में है और उसको एकाएक जो है उसको हटा दिया गया। 20 साल नौकरी करने के बाद जो है उसकी एज जो है 50 के आसपास पहुँच चुकी है, अब उसे कहाँ नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके का रवैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है दिल्ली के लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए लगातार किया जा रहा है। और आज मैं इस सदन पटल के माध्यम से यह धन्यवाद करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का कि कल उन्हें बोल के भी आया था मैं कि हम जो है दिल्ली विधानसभा में आपकी चर्चा करेंगे। और आज धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सदन का भी और अरविंद केजरीवाल जी का भी कि इस इशू को जो है नियम 55 के अंतर्गत जो है उन्होंने अल्पकालिक चर्चा में यहाँ पे सदन में रखा, आज जो इसमें बिजनेस में लगा हुआ है। और उन्होंने एक आश्वासन मुझे दिया कि आप जो है इसे सदन से पास कर दीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी से हम निपट लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं समझ में आता इनको, भारतीय जनता पार्टी अगर इनको हमारी बात नहीं समझ में आती तो इस समय जो है जो जनरल इलेक्शन में 7 की 7 सीटों में जमानत जब्त कराने का काम जो है वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। मुकेश अहलावत जी। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मेरी विधानसभा में एक छोटी सी कॉलोनी है इंदिरा झील नाम की, उसमें पहले वो 8-9 फुट नीचे थी तो उसका ना उधर सीवर था ना पानी था और ना उधर नालियां थी। लेकिन सत्येंद्र जैन जी जो हमारे मंत्री रहे हैं उनके सहयोग से उधर पानी सीवर सब डल गया है, लेकिन अब वो उसका लेवल काफ़ी नीचे था तो ऊपर हो गया, तो उधर जो पोल थे इलेक्ट्रिक पोल थे वो सारे के सारे नीचे आ गए। अब मैं कई बार बोल चुका TPDL वालों को कि एक बार आप वहाँ पर विजिट करें देखें, वो कम केवल 7-8 फीट के दायरे में आ गया है और यदि उसको हटाया नहीं जाएगा तो वहाँ पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार TPDL वालों को बोला जाए और वो वहाँ पर आए। धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह जून जी। स्पीकर मैडम, मैडम संभाल का गांव में 2 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनमें 4 शिफ्ट लगती हैं, बच्चों की टोटल स्ट्रेंथ होगी तकरीबन 15,000। स्कूल आने जाने के लिए बच्चों को कापसेड़ा बिजवासन जो बिजी रोड है उसको क्रॉस करना पड़ता है कापसेड़ा साइड से स्कूल की तरफ। हर आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट या तो किसी स्टूडेंट का या किसी टीचर का या किसी स्टाफ का होता रहता है। वहाँ पर ना तो कोई जेब्रा क्रॉसिंग है, ना कोई ट्रैफिक लाइट है, ना कोई फुटओवर ब्रिज है, ना कोई अंडरपास या सबवे है। मैंने ये कई बार शिक्षा मंत्री के सामने मसला उठाया, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था कि हाँ वो प्रॉब्लम है।
पीडब्ल्यूडी वालों ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि स्पेस कम है इसलिए फुट ओवर ब्रिज नहीं बन सकता। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप एक साइड शुरू कीजिए, सड़क क्रॉस कीजिए और फुट ओवर ब्रिज को स्कूल प्रेमिसेज में ड्रॉप कर दीजिए ताकि बच्चों को वो सड़क क्रॉस करने ना पड़े और फुट ओवर ब्रिज से लड़कियों का भी स्कूल और लड़कों का भी स्कूल उस फुट ओवर ब्रिज से वो स्कूल में आ जा सकें। तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आपसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके बारे में सोचे और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि वहाँ एक फुट ओवर ब्रिज बनाएं और उसको ड्रॉप कर दें स्कूल में, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी मंत्री जी अगर अलाउ करें तो जी बिल्कुल जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, सुने। तो इसमें शिक्षा विभाग तो का तो कंसर्न है ही। मैं सभी माननीय विधायक को ये भी बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक पूरा वर्टिकल है जिसको रोड सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। तो रोड सेफ्टी सेल को भी अगर आप ये विषय के बारे में लिखते हैं तो रोड सेफ्टी, चूँकि उसमें एक स्पेशल कमिश्नर ऑलरेडी अपॉइंटेड है जिसका ये ड्यूटी है कि अगर इस तरह के जितने भी इशूज़ सामने आते हैं तो वो उसको एग्जामिन करें। और कुछ दिन पहले हमने काफ़ी सारे जो जहाँ पर स्कूल्स का के क्लस्टर्स हैं जहाँ पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में अगर बच्चे आते हैं तो किस तरीके से बच्चे जो हैं वो रोड से स्कूल को एक्सेस बिना किसी परेशानी के बिना किसी एक्सीडेंट के एक्सेस कर सकें, इसमें हमने IIT दिल्ली को भी रोपिंग किया है और काफ़ी और जो NGOs हैं उनको भी हमने रोपिंग किया है। तो मेरा अनुरोध यही है कि अगर किसी माननीय विधायक का ये कंसर्न है कि बच्चों को रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, स्कूल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है या वो अपने आप को एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर रहे हैं तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी लिखें ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। समझ आ गया। महेंद्र गोयल जी आपका विषय लगा है, बोलना चाहेंगे? इजाजत ही दे रहे बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसमें जो विषय है आज का जो मेरे पास में भेजा गया है ये फैक्ट्री से संबंधित है, ये एक लाइटों वाला है, वही है फैक्ट्री से संबंधित। मैं कल बोल चुका था और लेबर चाइल्ड वाला। चलिए आज फिर दोहरा देता हूं मैं। चाइल्ड लेबर के नाम के ऊपर फैक्ट्रियों के अंदर रेड की जाती है। मैं कोई शक में नहीं कि चाइल्ड लेबर को कोई भी व्यक्ति रखे, लेकिन ठेकेदारों के प्रति जो भी वो व्यक्ति रखते हैं वो ठेकेदार रखता है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर पकड़ा जाता है तो वो फैक्ट्री मालिक दोषी हो जाता है। कोई बात नहीं, नियम के तहत दोषी है वो, लेकिन नियम के तहत यदि फैक्ट्री मालिक उसी समय में वो जुर्माना भर लेता है तो उसकी डीसील भी उसी समय में होनी चाहिए। इस केस के अंदर वीरवार के दिन फैक्ट्री सील होती है, सोमवार के दिन उसको जुर्माने, शुक्रवार के दिन उसको जुर्माने की राशि बता दी जाती है और पार्टी DD बना के ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में उससे DD लिए नहीं जाते कि अभी तक हमारे पास FIR की कॉपी नहीं आई। ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है FIR की लेना, और नियम के तहत कोई भी आपने अरेस्ट किया है तो उसको अरेस्ट भी 24 घंटे के अंदर अंदर तो FIR वैसे ही होती है। तो उस किस नियम के तहत उन बच्चों को वह कैद रखा गया और FIR का वो क्या टाइम रहा? जब पार्टी ने आपके कहे के मुताबिक वो पैसे भर दिए तो DC उसी समय में होनी चाहिए। मैं मान्य श्रम मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इनका ध्यान दिलवाना चाहता हूं और इसमें स्पष्टीकरण भी चाहूंगा। और ऐसे अधिकारियों को आप अपने पास में बुलाएं और उनको दिशा निर्देश दे, क्योंकि ये छोटी छोटी फैक्ट्री है, दिल्ली की जान है, ये लोगों को काम दे रही है, राजस्व दे रही है, और इस प्रकार से इन फैक्ट्रियों को यदि
तंग किया जाएगा, अफसरशाही मची रहेगी, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रवार को डी सील नहीं की, शनिवार को डी सील नहीं की, इतवार को कर नहीं सकते, सोमवार के दिन भी शाम के टाइम में उसको डी सील किया गया है, जब उनकी जेब के अंदर वो कुछ ना कुछ डाल दिया गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस सदन के माध्यम से मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए यदि स्पष्टीकरण देंगे तो लोगों के अंदर वो विश्वास बना रहेगा, और इस अफसरशाही से जो गलत, बहुत से अफसर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, ये नहीं है कि सभी के सभी दोषी है। बहुत अफसर है कि दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इस समय के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ज्यादा संख्या ऐसी भी है कि जो दिल्ली के कामों को रोकने का, इन लोगों को तंग करने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है। आपने मुझे इस विषय में बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, और माननीय मंत्री जी को आप कहेंगे तो इस पर स्पष्टीकरण। मंत्री जी से आप व्यक्तिगत तौर पर जब अधिकारी हो मुझे लगता है मिल लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे से स्पष्टीकरण देंगे। बोलना चाहेंगे आप मंत्री जी? मंत्री जी अभी बोलना चाहेंगे या अपने बाद में? आप समय लेकर मिल लीजिएगा। प्रीति तोमर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बार दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी। बैठक में ये फैसला किया गया कि पुरानी संपत्ति में परिवर्तन अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब दिल्ली निवासी अपनी पुरानी संपत्ति को दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नियमित करा सकेंगे। इसके लिए संपत्ति मालिकों को अपनी पुरानी संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव करने पर सूचना देनी होगी, जिसके आधार पर निगम इसकी स्वीकृति दे देगा। अध्यक्ष महोदय, कई बार निगम के समक्ष ऐसी जानकारी सामने आई है कि लोग बिना सूचना दिए ही पुरानी संपत्ति में बदलाव करा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में निगम उस निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया करता था। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सोमवार को निगम के सदन की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली वासियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। मैं दिल्ली नगर निगम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय भगवान उपकार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बवाना विधानसभा के जो PWD रोड है उस पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि लगातार मैं कई बार शिकायतें कर चुका हूं कि जो मेरे PWD के जो नाले हैं उन पर पानी रहता है हमेशा। 5 गाँव के अंदर, एक तो ओचंदी गाँव के अंदर, एक बवाना गाँव के अंदर, शाबा दौलतपुर, बरवाला, प्रहलादपुर, और कई बार मैं शिकायतें कर चुका हूँ, और अभी तक पिछले 1.5 साल से कोई समाधान अध्यक्ष महोदय नहीं हुआ। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के घरों में ना सीलन भी आने शुरू हो गई है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने नाले बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के बेसमेंटों में या घरों में, गलियों में पानी भरना शुरू हो गया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि, मैंने PWD को लिखा भी है और माननीय हमारी PWD मंत्री जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपसे निवेदन है मंत्री जी कि आपने इन सभी नालों को दोबारा से तोड़वा के बनवाए, क्योंकि ये जो सभी नाले हैं ये 40-50 साल पुराने नाले बने हुए हैं, जिनको 2013-14 में रेनोवेट कर दिया गया था, क्योंकि तोड़ के नहीं बनाए गए थे, ईंटों के बने हुए हैं। अगर ये मसाले के बनाए जाएंगे तो इन सभी गांव, चाहे मेरा वो शाहबाद है, चाहे वो प्रहलादपुर है, चाहे वो बरवाला है, चाहे वो पूठ है, चाहे वो बवाना है, चाहे वो दरियापुर है, चाहे वो ओचंदी है, इन सभी गाँव को राहत महसूस होगी। धन्यवाद। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, विषय है आपके पास? विषय मेट्रो के चौथे फेज का विषय लगाया आपने। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में चौथे फेज में हो रहे मेट्रो के निर्माण के संदर्भ में जो लोगों को असुविधा हो रहा है उसकी तरफ से ध्यान सदन का आकर्षित कराना चाहता हूँ।
चौथे चरण में जो मेट्रो का निर्माण आजादपुर से लेकर के सीधा मजलिस पार से लेकर के ये मेट्रो स्टेशन जो है बर्फखाने तक जाएगा, पूरे के पूरे जो काम कर रही एजेंसी है सैम इंडिया और इफकॉन, रोडों की हालत ऐसे कर दी है कि डेढ़ डेढ़ फुट के गड्ढे हैं। पहले भी मेट्रो का निर्माण होता था तो एजेंसियों को ये डायरेक्शन होता था कि रोड को सुचारू रूप से रखेंगे, ट्रैफिक का संचालन ठीक से हो ताकि वहाँ पर जाम ना लगे। लेकिन आज हालत क्षेत्र का ऐसा है मॉडल टाउन विधानसभा में, क्योंकि देश का रोड नंबर वन जीटी करनाल रोड पर वो निर्माण कार्य हो रहा है और पीडब्ल्यूडी का एक फ्लाईओवर भी बन रहा है। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, कि बहुत शानदार डबल डेकर वहाँ पर मेट्रो और पुल के साथ निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर का भी। लेकिन जो कंपनी काम कर रही है, एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उनकी लापरवाहियों की वजह से मैं कई बार चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखा इस संदर्भ में, मेट्रो को भी चिट्ठी लिखा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। अध्यक्ष महोदया, ये क्षेत्र की जनता की तरफ से गुहार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये सब रोडों को ठीक किया जाए जो बहुत गड्ढे हो गए हैं। उन्होंने कोई निर्माण कार्य चूँकि पीडब्ल्यूडी कर नहीं पा रही है क्योंकि उनको रोड हैंडओवर हो गया है, अब सारा का सारा मेंटेनेंस उनको करना है। पटरियाँ बिल्कुल टूटी हैं और पोल्यूशन का हालत ये है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगा, इतना धूल उड़ रहा है। मेरे साथ के बगल के विधानसभा के साथी बैठे हो राजेश जी, वो भी जानते हैं उधर से गुजरते हैं कि कितना जाम लग रहा है सुबियार फ्लाईओवर के नीचे और इतना पोल्यूशन। मुझे लगता है कि उनका पोल्यूशन का चालान भी होना चाहिए और शीघ्र अगर उन्होंने उस रोड का निर्माण करके ठीक से सुचारू रूप से ट्रैफिक का संचालन नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपने बार बार अगर आप न्यूज़ में देखें जब पोल्यूशन का टाइम आता है तो उसमें अशोक विहार का मेंशन होता है कि अशोक विहार में बहुत पोल्यूशन हो रहा है। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि गाजियाबाद से ज़्यादा पोल्यूशन अशोक विहार में हो जाए, लेकिन उस पोल्यूशन होने की रीज़न यही रहता है कि जो वो मेट्रो काम चल रहा है जो हमारे साथी अखिलेशपति त्रिपाठी जी ने बताया, वहीं पर हमारी पोल्यूशन की यूनिट लगी हुई है जो उसको चेक करती है और वो लोग इस पर किसी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। पूरा रोड खराब है उसकी वजह से भी पोल्यूशन है, साथ में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर वो ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस पर ध्यान दें क्योंकि अशोक विहार बहुत ग्रीन एरिया है, 697 पार्क्स मेरे पास है, उसके बाद में भी ये कहना कि वह पोल्यूशन है तो उसका रीज़न वो है कि वो ध्यान से उस पर काम नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला टोकस जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा पिछले 6 महीने से काफ़ी जगह पीने की लाइनें टूट गई हैं, बहुत ज़्यादा पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। सेक्टर 5R के पुरम, वसंत इंक्लेव, वसंत विहार, नानकपुरा, शास्त्री मार्केट, मुनिरका DDA फ्लैट, मुनिरका गांव आदि जगह पर बहुत लीकेज है और बार बार जल बोर्ड अधिकारियों को बोलने के बावजूद मेरी विधानसभा में यह पानी की लाइनें ठीक नहीं की जा रही है। मेरी विधानसभा में कई जगह है सीवर लाइनें भी रुकी हुई है जिसके कारण सीवर की गंदगी गलियों में सड़कों पर फैली हुई है, उसको भी समय पर साफ नहीं किया जा रहा, ये अभी हुआ है। राजेश गुप्ता जी, अभी इतना बुरा हाल हो गया है अध्यक्ष जी, मुझे लगता कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की तो साजिश नहीं है क्योंकि एकदम से इतना बुरा हाल, इससे पहले भी विधानसभा चली थी उससे पहले तो ऐसा हाल कभी नहीं हुआ, ये अभी इतना बुरा हाल हुआ है पूरी मतलब विधानसभा में। और एक मेरी आरकेपुरम विधानसभा में एक UGR है वसंत विहार में जो 2 साल से सूखा पड़ा है, बार बार अधिकारी को बोलने पर उसमें पानी नहीं भरा जा रहा जिसके कारण मेरी विधानसभा वसंत अपार्टमेंट कॉलोनी वसंत गांव प्रजापति मोहला शहर मोहला आदि जगह पीने के पानी की भारी किल्लत है। इस UGR को पानी देने का कार्य किया जाना चाहिए जिससे इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पर कर सके। आपका अवगत कराना चाहती हूं कि पिछले 1 साल से मुनिरका और सेक्टर 5 मेन रोड पाल मार्ग से विवेकानंद मार्ग के पास बने भूमिगत पैदल मार्ग पर लगातार भारी मात्रा में पीने के साफ पानी का रिसाव हो रहा है जिसका पानी बहकर सेक्टर 5 के मेन गेट तक जाता है और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से आने जाने वालों लोगों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है तथा पानी भरे होने के कारण फिसलन हो रखी है
जिस कारण आए दिन छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं। अब तो इस पानी के कारण सेक्टर में मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। अब कौन सी बीमारी फैल जाए कुछ पता नहीं। और इसको अध्यक्ष जी बार बार हमने जेई एक्सियन एई सभी को हमने इसके बारे में बोला है। अगर आप कोई भी जाएंगे आप, वो मेन रोड पे है और इतना बुरा हाल हो रखा है, वहाँ से जब लोग निकलते हैं तो ऐसे रुमाल लगा के निकलते हैं, इतनी बदबू भी आने लगी उसमें। एक्शन और जेई सबको बताने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार भारी मात्रा में पानी का रिसाव होने के कारण लोगों को दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही साथ पानी की कितनी कटौती हो रही है, वैसे पानी वैसे कम है और जो पीने का पानी है उसमें मतलब अधिकारी मुझे नहीं पता क्यों वो उसको बंद नहीं करते हैं। वैसे हमारे एरिया में पानी की दिक्कत है लेकिन जहाँ लीकेज है लीकेज को बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं। ये इतना बुरा हाल अभी किया उन्होंने, इससे पहले कभी नहीं था। या मुझे नहीं पता कि ये अधिकारियों की साजिश है या किसके कहने पर वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी कि मेरी विधानसभा में जहाँ पे लीकेज है उसको ठीक कराया जाए और जो हमारा यूजीआर उसमें पानी देने का काम करे ताकि उन लोगों को पानी मिल सके। और जो रिसाव है इसको बंद करके हम उनको भी उसमें डालेंगे तो भी हमारी विधानसभा में पानी की पूर्ति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोमनाथ भारती जी। जैसे ही आवाज विधानसभा में गूंजती है वैसे ही अब संसद में गूंजेगी बड़ी जल्दी। साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अग्रिम बधाई देने के लिए। साथियों आज अध्यक्ष महोदय मेरे आर के पुरम के विधायक साथी ने जो बात उठाई मैंने तुरंत अभी आदेश दिया है अधिकारियों को, आपसे भी तुरंत बात करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है क्योंकि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए, खास करके सीवर का जो ओवरफ्लो की समस्या है इसको तो अधिकारी तुरंत अटेंड कर सकते हैं, वो मैं सुनिश्चित करूँगा कि ये तुरंत अटेंड किया जाए। अध्यक्ष महोदय आज आपने 280 में मुझे बात रखने का मौका दिया उसका बहुत धन्यवाद। जो एक दो और साथियों ने बात उठाई रोड सेफ्टी की उसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में यू टर्न है अरविंद मार्ग पे, इतना फॉल्टी उसका स्ट्रक्चर है और जब मैंने पता किया ये ग्रीन पार्क मेन और हॉस्कास एसएफएस फ्लैट्स के पास में है, जब आप एम्स की तरफ से आ रहे होते हैं और आईआईटी की तरफ जा रहे होते हैं तो इतना साफ एज्ड वो यू टर्न है कि कहीं भी किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए। जब मैंने पता कि इस प्रकार से क्यों किया गया तो मालूम पड़ा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी सरकार आने के पहले उसके घर के आगे वो यू टर्न ना खोले, इसलिए उसको ऐसे लोकेशन पर पुश कर दिया कि जनता की जिंदगी को उन्होंने दाव पे लगा दिया। एक डिपार्टमेंट है यूटी पैक जो कल जून साहब भी उठा रहे थे, यूटीटी पीएसी ये डिपार्टमेंट डीडीए के अंतर्गत आता है, तो बार बार वही बात घूम के पहुंच जाती है कि भाई डीडीए के पास पुलिस के पास ट्रैफिक पुलिस के पास ये सातों सांसद कान में तेल डाल के सोते रहे 10 साल, एक भी बार इन्होंने कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया, ना डीडीए की मुसीबत उठाई ना ट्रैफिक की मुसीबत उठाई ना इन्होंने दिल्ली पुलिस की से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी। नेचुरल सी बात है कि जब जनता की समस्याओं को नहीं उठाओगे तो समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहेगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, माननीय मंत्री जो भी मेंशन कर रहे थे रोड सेफ्टी के ऊपर, उसके इंडिया चैप्टर में दिल्ली रीजन का मैं हेड हूं और काफ़ी सारे रोड सेफ्टी के ऊपर हमने कार्यक्रम किए हैं। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पीडब्ल्यूडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए तो दिल्ली की सड़कों के ऊपर सेफ्टी का प्रबंध किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से डीडीए को यूटी पैक को और माननीय एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जितने भी फॉल्टी स्ट्रक्चर्स जो रोड पर बनाई गई हैं इस सब का समाधान लाया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर किसी व्यक्ति का देहांत होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके परिवार पे क्या बीतती है उसके परिवार से आप पूछ के पता कर सकते हैं।
क्योंकि ये चीज़ें सेल्फिश होकर के सरकारी स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से मूव कर देना, ये बहुत ही निंदा का विषय है। साथ में मैं ये देख पा रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई सांसद महोदय जो होते हैं दिल्ली के, क्यों आम आदमी पार्टी को इंडिया लाइंस के होने चाहिए। मैं बात कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आज जब दिल्ली के लोगों के हक मारे जा रहे थे तो ये सांसद तालियां बजा रहे थे वहां, जब दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे थे, जो दिल्ली के जनता ने केजरीवाल जी के रूप में एक सरकार दी, इसलिए दी कि हर लिहाज से दिल्ली के जनता के जिंदगी को सुविधाजनक बनाया जाए, तो इस सातों के साथ सांसद अक्षा महोदय, इन्होंने एक भी बार दिल्ली की जनता के मुद्दों को नहीं उठाया, और यही कारण है कि आज दिल्ली इंतजार कर रही है कि ट्रैफिक पुलिस हो दिल्ली सरकार के अधिकार हो, दिल्ली सरकार के जो सुविधाएं हैं उसको रोकने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, इसके कारण दिल्ली की जनता इस बार सातों के सातों भाजपा के सांसद को घर बिठाएगी और इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी और जो अलायंस का सांसद है सातों को भेजेगी वहां पे। और मैं साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आप यहां से भेजोगे, ये सारे लोग मिलकर के इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता के अधिकारों को वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। विषय है अभी पांच साथियों का जो है नंबर आ सकता है, 5 मिनट का समय है, तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना विषय रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, मेरा क्षेत्र कोटला मुबारकपुर में पिलंजी गांव, बापू पार्क, प्रसादी गली कोटला मुबारकपुर, सीवर की दिक्कतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका सबसे बड़ा शायद कारण यह है कि ये लो लाइन का एरिया है और जो निकासी का स्थान है वो ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से सीवर का डिस्पोजल सही नहीं हो पा रहा है। हम काफ़ी दिन से कोशिश करते रहे कि किसी तरह पुरानी लाइनों को ठीक ठाक चलाने के लिए मशीनरी का उपयोग करते रहे, पर हम उसमें नाकामयाब रह रहे हैं। बार बार सीवर ओवरफ्लो करने की शिकायत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोगों के घर के सामने सीवर का मैला फैला रहता है। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक बंदोबस्त हो, एक कुआं टाइप बने जिससे वो सारा का सारा मैला पहले उसमें इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के बाद उसको प्रॉपर पंपिंग करने के बाद सीवर का जो मेन ट्रंक है उसमें डाल दिया जाए। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी अफसर इसके लिए न तो तैयार हो रहे हैं ना और ना ही इस पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र का एरिया पूरा का पूरा सीवर की गंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जल मंत्री इस ओर ध्यान दें और वहाँ एक ऐसा कुआं बनवाने की कृपा करें जिससे वहाँ का डिस्पोजल उस कुएं के द्वारा सीवर की मेन ट्रंक लाइन में किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा जी, विषय है आपके पास जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधानसभा में आजादपुर मंडी की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदया, आजादपुर मंडी में अदरक और अरवी की धुलाई होती है, लगभग 20 अड्डे कहूँगा मैं उनको लगे हुए हैं धुलाई के लिए, और उनसे मिट्टी जो सनी होती है अदरक और अरवी मिट्टी में, वो मिट्टी सारी की सारी पानी के जरिए, नाले के जरिए भड़ोला गांव के नाले में, झुग्गियों के पास वाले नाले में आ जाती है और हर रोज़
अगर दो दो बार भी नाले साफ किए जाएं तो भी जो है सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से भड़ोला गांव की झुग्गियों में पानी भर जाता है और भड़ोला गांव की गलियों में भी पानी भर जाता है। आए दिन शिकायत आती है। मैंने पहले भी APMC में सेक्रेटरी साहब को भी बोला था, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसकी ओर कि वहाँ पे APMC में जो धुलाई के अड्डे लगे हैं अदरक और अरबी के, वहाँ पे अगर दो टैंक बना दिए जाएं जिससे धुलाई होकर पानी उन टैंकों के थ्रू निकले, मिट्टी टैंक में बैठ जाए और केवल पानी नाले में आए, तो इसका समाधान हो सकता है। तो अध्यक्षा महोदया, मेरी इस समस्या की तरफ गौर किया जाए और इसका समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। राजेश गुप्ता जी, पार्क एंड गार्डन सोसाइटी जी। तो है नहीं ना भाई बात का पता। तो आपका उपाध्यक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और मंत्री गोपाल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब निगम में हमारी सरकार नहीं थी, खासतौर पर मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, इन निगम के पार्कों का बहुत बुरा हाल था। मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूँ जो अर्बन विधानसभा है और दिल्ली में कदाचित सबसे ज़्यादा पार्क्स मेरी विधानसभा के अंदर हैं, तकरीबन 697। उन पार्क्स का रखरखाव MCD बिल्कुल नहीं कर पा रही थी और ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक योजना निकाली और उसके तहत दिल्ली सरकार ने अपने पास से दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के नाम से वो फंड देना शुरू करा, जिससे मेरे यहाँ के पार्कों की स्थिति बहुत जगह बहुत अच्छी हो गई। बहुत सारे RW ने उसमें आवेदन करा और मुझे आज भी याद है कि ट्विटर के अंदर एक बार चला था कि एक बड़ा चंडीगढ़ का खूबसूरत पार्क है, बाद में उसकी जब छानबीन हुई तो पता लगा कि वो अशोक विहार के एफ ब्लॉक का पार्क था। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात रही और दिल्ली सरकार का मैं जितना धन्यवाद करूँ वो कम है उसके लिए। लेकिन इसके साथ में ही मैं एक प्रॉब्लम की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि खासतौर के कोरोना के अंदर वो पेमेंट जो थी वो नहीं हो पाई। RW ने अपने जेब से उस पेमेंट को करा हुआ है, वो लोग बहुत धक्के खाते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन अधिकारी नए नए कागज मांगते रहे और क्योंकि अधिकारी उसके अंदर जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो निगम के थे, उस वक्त का निगम आप जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचारी माहौल था उस वक्त का, और उन लोगों ने वो सर्टिफिकेट्स नहीं दिए और आज भी वो पैसे रुके हुए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम हो। RWS बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपए इकट्ठे करती है रेजिडेंस के साथ में, वो पैसा उन्होंने उसमें लगाया हुआ है, तो वो सारा पैसा उनको मिल पाए इसकी व्यवस्था अगर आप जल्दी से जल्दी कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करेंगे नियम जी। मैं अध्यक्ष महोदया एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात रखने के लिए 2 मिनट चाहूँगी। अध्यक्ष महोदया, जैसे कि आप जानती हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट ने, एक बहुत ही बेहतरीन सोलर पॉलिसी को पास किया था। उसकी घोषणा खुद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करी थी। इस सोलर पॉलिसी में खास बात यह है कि अब तक दिल्ली की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती आई है, 400 यूनिट तक की सब्सिडी देती आई है, लेकिन ये सोलर पॉलिसी पहली बार दिल्ली के उन लोगों को जो 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली का प्रयोग करते हैं उनको फ्री बिजली मिल पाए, उनको जीरो बिजली बिल मिल पाए, ये सोलर पॉलिसी उसका एक रास्ता खोलती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है अध्यक्ष महोदया जिसमें सोलर रूफटॉप लगाने पे जितनी बिजली आपके छत पर बनती है सरकार आपको हर यूनिट बिजली पैदा करने के पैसे देती है, आपको इंसेंटिव देती है। जब अप टू तीन किलोवाट 3 रुपये यूनिट सरकार की तरफ से आपको मिलेगा, 3 से 10 किलोवाट अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो 2 रुपये यूनिट आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। ये इतनी एम्बिशियस सोलर पॉलिसी है अध्यक्ष महोदया कि दिल्ली एक ऐसी स्टेट हो जाएगी 2027 तक जो अपने पूरे बिजली कंजम्पशन का, और आप इस बात को याद रखिए कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत बढ़ता हुआ बिजली का कंजम्पशन है, इस सोलर पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली 2027 तक 20% अपनी बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस कर पाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोलर पॉलिसी है।
लेकिन आज इस सदन में मैं बहुत दुख के साथ इस बात को रखना चाहती हूँ कि इस शानदार सोलर पॉलिसी को, जहाँ पे 400 यूनिट की ऊपर के बिजली के बिल फ्री आ सकते हैं, जिसमें सोलर पॉलिसी सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा देगी, उस सोलर पॉलिसी को एलजी साहब ने रोक दिया है। ये फाइल काफी दिन पहले एलजी साहब के पास गई, एलजी साहब इस फाइल को रख के बैठे रहे। पावर डिपार्टमेंट ने और मैंने खुद एलजी ऑफिस में कई बार इस मुद्दे को उठाया, हमने उनको कहा कि ये फाइल पास करिए, इस सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना जरूरी है, तभी दिल्ली के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब हमने बार बार सवाल पूछा और इस पॉलिसी की फाइल को वापस भेजने को कहा, तो एलजी साहब ने कल देर रात को इस पे ऊल जलूल सवाल लगाकर, ऑब्जेक्शन लगाकर इसको वापस भेज दिया है। इस बात को समझिए अध्यक्षा जी कि ये ऊल जलूल सवाल लगाने का क्या पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि अब इन सवालों का जवाब देने में वो फाइल घूमती रहेगी, एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी, तीसरे अफसर से चौथे अफसर के पास जाएगी। उनका एक ही ध्येय है कि आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल सरकार की सोलर पॉलिसी की शुरुआत नहीं हो सके, ये एलजी साहब का ध्येय है। ये बहुत दुख की बात है जी, ये मैं मानती हूँ अध्यक्ष महोदया, कि अब एलजी साहब जो एक तरह से दिल्ली के गार्जियन है, जो सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, अब वो विपक्ष की भूमिका जो बिधूड़ी जी को करनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरह से राजनीति कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है कि दिल्ली सरकार एक ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर आ रही है जो दिल्ली में इतनी एनर्जी को ग्रीन एनर्जी के तौर पर देगी। और मैं इस बात का दुख इस पूरे हाउस के सामने रखना चाहती हूं कि ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी को एलजी साहब द्वारा रोका जा रहा है। एक घंटे के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाया गया, मैंने उनको, उपाध्यक्षा जी मैं इस विषय पर एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। जी मैं आपको अलाउ करूंगा, बैठे बैठिए राजेश गुप्ता जी। जी अरंडिया उपाध्यक्षा जी, जैसे आपने सुना कि इतने अच्छी चीज जिससे पूरा दुनिया जूझ रही है, और रोज हम बार बार देखते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की बातें ये करते हैं, हालांकि सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये पूरे उत्तर भारत के अंदर ये प्रॉब्लम है, इस बार तो मुंबई के अंदर भी बहुत पोल्यूशन था। तो आदरणीय केजरीवाल जी का तो हम धन्यवाद करते आते हैं, हर चीज पे वो नई सोच रखते हैं और किस तरीके से दिल्ली को पोल्यूशन से बचाना है, ग्रीन करना है। और जैसे मंत्री जी ने बताया, इतनी अच्छी पॉलिसी को एलजी साहब ने रोका, बेवजह के सवालों से रोकना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि इस तरीके की जो अच्छी पॉलिसीज हैं उसको एलजी साहब रोकते हैं, तो हम उसके लिए इसकी निंदा करते हैं और ये प्रस्ताव सदन के सामने में रखना चाहता हूँ। और सोलर पॉलिसी को जल्दी से जल्दी पास करा जाए, इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। श्री राजेश गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के समक्ष है, जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, निंदा प्रस्ताव पास हुआ। अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करेंगे श्री मदन लाल जी। मैं आपको समय दूंगी, देखिए मैं बहुत ही सुखद माहौल में सदन चलाने का प्रयास करती हूँ। बैठ जाइए विदुड़े जी, मैं आपको मौका दे दूंगी, मदन लाल जी के बाद दे दूंगी, मैंने आदेश कर दिया मदन लाल जी, अब बैठ जाइए मदन लाल जी। मदन लाल जी, बसों में मार्शलों की पुनः बहाली के संदर्भ में चर्चा बहाली पर चर्चा प्रारंभ करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 6/12/1962 चाइना का युद्ध हुआ, उस समय हमारी आर्मी ने बॉर्डर पर बहुत बहादुरी के साथ
देश की रक्षा की। और ये एक ऐसा समय था जब देश के भीतर भी नागरिक सुरक्षा की जरूरत पड़ी। ऐसे में क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का काम देश को बॉर्डर्स पे सुरक्षा प्रदान करने का था, तो नागरिक सुरक्षा के लिए दो डिपार्टमेंट्स, दो ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एक दिल्ली होमगार्ड और दूसरा नागरिक सुरक्षा के नाम से सिविल डिफेंस की स्थापना की गई। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए पीस काल में, शांति काल में, और ऐसे समय में जब कोई आपदा आ रही हो, दंगे हो रहे हों, फसाद हो रहे हों, कहीं लोगों को कुछ और तरीके से प्राकृतिक आपदा में जरूरत पड़ती हो, ऐसे समय के लिए सिविल डिफेंस की स्थापना हुई। नागरिक सुरक्षा में 10,792 लोग तैनात हैं, जिनमें से 8,574 DTC की और क्लस्टर बसेस में दिल्ली सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की। अगर हम इसका इतिहास देखें तो अध्यक्ष महोदय, 11 मई 2015 को जब CM साहब ने ये फैसला लिया कि हमें एक नागरिक सुरक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली की बसों की जिम्मेवारी देनी है, तो उन्होंने इस ओर कदम उठाया और 11 मई 2015 को बस मार्शल्स की कानूनी स्थिति के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। पर चूंकि एक बड़ी सरकार नहीं चाहती थी कि दिल्ली की सरकार नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसे कदम उठाए जो कदम पॉपुलर कहलाएं, तो उसी को रोकने के लिए, डीरेल करने के लिए, उसको स्कीम को जड़ से ही खत्म करने के लिए शुरुआती दौर पर 11 मई 2015 को बस मार्शल्स की कानूनी स्थिति पर आपत्ति उठाते हुए होमगार्ड के DG ने एक पत्र लिख दिया और उन्होंने 17/6/2015 को 4,000 होमगार्ड्स के डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश पारित किया। ये कदम था कि दिल्ली सरकार की उस पॉपुलर स्कीम को अपने हाथ में ले लेने का, कि दिल्ली की सरकार ना करें, माननीय केजरीवाल जी ना करें, बल्कि किसी तरह इसको अपने हाथ में लेके रोकने का काम शुरू कर दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद 18 जून 2015 को डायरेक्टर जनरल होमगार्ड द्वारा एक प्रॉमिस की गई कि वो 2000 गार्ड्स 22 जून 2015 तक उपलब्ध कराएंगे, 2015 तक, जून 2015 तक। अध्यक्ष महोदय, 16 सितंबर 2015 को CM साहब को ये बात पता थी अच्छी तरह कि ये उस स्कीम को लटकाने के लिए एक नया पैरेलल चैनल चलाया गया है। उन्होंने एक मीटिंग प्रेसाइड की और उसके दो ही दिन बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक मीटिंग इसी संदर्भ में प्रेसाइड की और इस पर चर्चा की और इस स्कीम को कैसे लागू करें उसके लिए प्रयत्न शुरू हो गए। 6 नवंबर 2015 रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की गई कि वो 5,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की एक टीम तैयार करे जो बसेस में मार्शल्स के बतौर तैनात किए जा सके। 24 नवंबर 2015 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसमें अपनी कंसेंट दी, हां भरी और सिविल डिफेंस के लिए DM सिविल डिफेंस को एक चिट्ठी लिखी सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट ने कि 5,000 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स की नियुक्ति के लिए तैयारी की जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर 2017 को, 2 साल बाद, पता चला कि 4,500 बस मार्शल की रिक्वायरमेंट है, जबकि उस समय तक 2,253 वॉलेंटियर्स ही उपलब्ध थे। इसके बाद फैसला लिया गया कि चूंकि होमगार्ड का डायरेक्टरेट ज्यादा प्रेस कर रहा था और वो जानबूझकर इसमें घुस रहे थे, जिससे इसको, जैसा मैंने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश ये रही
के स्कीम को रोका जाए, तो उन्होंने अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि अच्छा मान लेते हैं होमगार्ड के 50%, सिविल डिफेंस के 50%, पर लाओ तो सही, करो तो सही। उसके बाद और 2 साल गुजरे, लगभग 7 अगस्त 2019 को डिसाइडेड किया गया कि डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों में होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के लोग लगा दिए जाएं। दिल्ली गवर्नमेंट मान गई कि लगाओ तो सही। अध्यक्ष महोदय, 9/8/2019 रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि 9,750 सिविल डिफेंस के लिए भर्ती शुरू की जाए। 9,750 4 सितंबर 2019 दिल्ली के होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई और होम डिपार्टमेंट ने उसमें प्रॉमिस की कि वो 5,500 होम गार्ड के वॉलेंटियर्स उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, 18 सितंबर 2019 के कोई दो हफ्ते बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने डायरेक्टर जनरल होम गार्ड की मीटिंग में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मीटिंग में डायरेक्टर जनरल होम गार्ड ने संकेत दिया कि वो 5,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स नहीं दे पा रहे हैं और राष्ट्रीय सैनिक बल के सचिव ने प्रॉमिस किया कि वो 4,000 10 अक्टूबर 2019 तक दे पाएंगे। 19 अक्टूबर 2019 को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ फिर एक मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्टर जनरल होमगार्ड ने कहा कि वो 4,000 वॉलंटियर्स देंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि 4,200 सिविल डिफेंस के लोग वो दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बात को देखें कि 2015 में जो सरकार की मंशा थी कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आए दिन हम सुन रहे थे बसों में लगातार झगड़े की, मारपिटाई की, कत्ल की, बलात्कार की शिकायतें आ रही थी और दिल्ली बड़ा पैनिक थी। पूरे देश में जहां दिल्ली सबसे ज्यादा अच्छी और सुरक्षित माने जाने वाली सिटी होनी चाहिए, दुनिया में जहां हम अपने देश को बहुत ज्यादा विकासशील, विकसित और बहुत ज्यादा आगे बढ़ोतरी वाला देश प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पर जब भी दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात आ रही थी तो हम शायद सबसे ज्यादा पिछड़े हुए माने जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ वारदातें बसों में ज्यादा हो रही थी और खासकर बहुत ज्यादा इंसिडेंट जेब कतरों की आती थी, बहुत सारी बातें महिलाओं के साथ बदतमीजी की आ रही थी। तो ये 4 साल जो इसमें लगे केवल इसलिए लगे कि बड़ी सरकार की इसमें काम रोकने की इच्छा लगातार चलती रही और उसी के चलते दिल्ली सरकार की वो पॉपुलर स्कीम 19 अक्टूबर 2019 तक केवल पेपरों पे चलती रही, लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, 25 नवंबर 2019 टोटल उस समय 8,259 बस के मार्शल्स थे, 4,186 इसमें होमगार्ड थे, 3,634 इसमें सिविल डिफेंस लगे और 439 एक्स सर्विसमैन लगे। इसके लिए सरकार ने 11 मार्च 2021 को कि इनके बजट का एलोकेशन सही तरीके से हो पाए, क्योंकि उससे पहले बजट विधानसभा के द्वारा दिया जा रहा था। अब चूंकि बसों में नियुक्ति हो गई थी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे। तो 11 मार्च 2021 को बस मार्शल के लिए 2 बजटों का एलोकेशन किया गया, 2 बजट बनाए, एक डीटीसी की बसों के लिए और एक क्लस्टर बसों के लिए। इसी दौरान दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका नंबर 2,559/19 था, में सरकार ने आश्वासन दिया कि वो बस मार्शल्स की पेंडिंग सैलरी को देंगे और उसके साथ ही उन्होंने 4/10/2023 को ये वायदा किया कि उनको देंगे और उनकी सर्विसेज को सुरक्षित रखेंगे। पर जब बड़ी सरकार को लगा कि दिल्ली सरकार मान नहीं रही है, वो बसों में मार्शल को लेके बहुत ज्यादा संज्ञानशील है, तो 4/10/2023 को डीसी हेडक्वार्टर ने एक आदेश पारित कर दिया कि सिविल डिफेंस का काम केवल आपदा में लोगों की सुरक्षा करने का है,
आपदा से निपटने का है। लिहाजा डीटीसी की और क्लस्टर बसों में हम सिविल डिफेंस की नियुक्ति को अवैध मानते हैं। ये एक बड़ा अटपटा सवाल था। आपदा क्या है? आपदा केवल आएगी तभी करेंगे या आपदा को बचाने के लिए भी हम किसी एजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे 1962 के युद्ध के बाद ये प्रिक्योर की गई, ये संगठन बनाया गया कि कोई आपदा ना हो और आपदा हो तो उससे निपटा जाए। अध्यक्ष महोदय, 11 अक्टूबर 2022 मुख्यमंत्री जी ने सिविल डिफेंस के वेतन के भुगतान के लिए नाराजगी जताई कि आप इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब तक सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स में बड़ा पैनिक आ गया था। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। अगर हम इस दौरान देखें तो हमारी बड़ी पॉपुलर सरकार ने लोगों की नई भर्तियां बंद कर रखी हैं। वो पुराने जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनको कंसल्टेंट रखते हैं, वो बुजुर्गों का तो ध्यान रख रहे हैं, पर जो नई जनरेशन आ रही है, मैं कई कई बार अपनी विधानसभा में लोगों से पूछता हूं, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से, कि उनमें कोई भाग्यवान ऐसा है जिसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है? सब अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। सब उनका मौन स्वीकृति इस बात की द्योतक है कि ऊपर वाली सरकार कोई नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में इन सिविल डिफेंस के लोगों ने, जहां एक तरफ दिल्ली के जो हमारी माँ बहन बेटी बसों में सफर करती है, जो हमारे बच्चे सफर करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बदले में जो वेतन मिलता है, अगर उसको भी वेतन ना मिले तो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर नाराजगी व्यक्त की। और उसके बाद सरकार ने ये भी फैसला किया कि जो दिल्ली की सरकारी बसेस हैं उनमें 3-layer सिक्योरिटी वो चालू रखेंगे। कंप्लीट कीजिए। एक सीसीटीवी कैमरा, दूसरा पैनिक बटन और तीसरा बस मार्शल्स का। इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय 21 अक्टूबर 2023 एलजी साहब एग्री भी कर गए, पर एलजी साहब एग्री कर गए जैसे बहुत चीजों के लिए एग्री करते हैं, पर नीचे के अफसर तो साइलेंट है। उन्हें पता है कि एलजी साहब भले ही गर्दन में हां मिला दे, उन्होंने करना नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक षड्यंत्र चला आता है। और 31 अक्टूबर 2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स की सर्विसेज समाप्त कर दी। और समाप्त करने के पीछे लॉजिक क्या था? कि आपदा के समय में काम आने वाली सर्विसेज हैं, यहां होमगार्ड को लगाया जाए। होमगार्ड का जो जन्म है वो भी चाइना वार के बाद ही हुआ था, कि लोगों को एक सुरक्षा एजेंसी ऐसी हो जो नागरिक सुरक्षा के लिए काम करे। अब सिविल डिफेंस और होमगार्ड में तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, पर जानबूझ के, क्योंकि ये स्कीम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की थी, लोगों को भले के लिए थी, लिहाजा उसको खत्म करना था और एक नई एजेंसी को उसमें इंसर्ट करना था जो कभी आएगी नहीं। 2015 में जो सीएम साहब जो स्कीम लाना चाहते थे वो 2019 तक अप्लाई नहीं हुई, उसके बाद वो 2023 में समाप्त की गई। 1 नवंबर 2023 को रेवेन्यू मिनिस्टर ने वो सेवा समाप्त करने वाले सर्कुलर में संशोधन करने के लिए एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने एलजी लिखा कि जब तक होमगार्ड के वॉलेंटियर्स को आप बसेस में डिप्लॉय नहीं करते, तब तक आप इन्हीं लोगों को सर्विसेज में डीटीसी बसों में कंटिन्यू कर दें। 2015 से 2022 तक यह सर्विस कंटिन्यू रही है, स्मूथली रही है। परंतु अक्टूबर 2023 के बाद जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया कि अब हम पैसा इसका देंगे क्योंकि ये लोग डीटीसी की बसों में काम कर रहे हैं, उसके बाद यह दिक्कत आई और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक इसमें क्वेरीज रेज करनी शुरू कर दी, ये कह के कि इसकी तो एलजी साहब से अप्रूवल ही नहीं ली है, ये तो कैबिनेट में ही नहीं आई है। इसके बाद इलीगल डिप्लॉयमेंट मानते हुए उन्होंने जो आदेश पारित किया था, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने विभाग को लिखा कि इसके बारे में वो एक कैबिनेट नोट प्रेजेंट करें जिससे इसको सिविल डिफेंस के लोगों की रुकी हुई सैलरी दी जा सके और इनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जा सके जब तक होमगार्ड के वॉलेंटियर्स इसमें ना जाएं। ये प्रपोजल हो सकता है सालों साल लगे,
हो सकता है ये अगली विधानसभा में भी डिस्कस कर रहे हो, वो होम गार्ड के वॉलेंटियर्स ना लगने हैं, ना लग रहे हैं, ना लगने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, ये लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। बड़ी सरकार को लगता है कि दिल्ली के लोगों ने चूंकि उनको नहीं चुना है, जिसे लोगों से बदला लेना है, तो वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सभी स्कीमों को बाय दिस वे और दी अदर बंद करने की और रोकने की कोशिश लगातार करते हैं। आज मेरी विधानसभा के यहां कई वॉलंटियर्स आए हुए, वो बेचारे बेरोजगार हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने यहां सिविल डिफेंस की नौकरी शुरू की थी, उस समय अब से 10 साल 12 साल 15 साल पहले, उस समय वो यंग थे। अभी उनकी उम्र नौकरी करने लायक ऊपर हो गई है, सरकारी नौकरियां और मिल नहीं रही हैं, बड़ी सरकार की मेहरबानी से ये नौकरी खत्म हो गई है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, परिवार में जीने का साधन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोग जो भय में, खासकर बसों में जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते, और ये इसलिए भी है बहुत सारे दिल्ली के, मैं आधा मिनट नहीं लगाऊंगा, दिल्ली की बसों में सफर करने वाले लोग, और दिल्ली में आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स की सूझबूझ से आज बस में हादसा होते हुए बचा, आज किसी महिला के साथ छेड़खानी रुकी, आज किसी के साथ चाकूबाजी रुकी, आज किसी की जेब कटते रुकी, आज किसी का नुकसान होते बचा। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लग रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा में लग रहे हैं, परंतु बड़ी सरकार नहीं चाहती कि यह सरकार पॉपुलैरिटी के काम करे और साथ के साथ लोगों को रोजगार भी दे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार इस बारे में और जो भी कदम उठा सकती हो, हमको ये स्कीम तब तक लागू करवानी चाहिए जब तक होम गार्ड की नियुक्ति नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उन्हीं लोगों को होम गार्ड में वैसे के वैसे ही भर्ती कर लिया जाए, नाम ही तो बदलना है, दोनों सेवाएं एक जैसी हैं, दोनों सेवाओं के लिए कोई परीक्षा नहीं है, दोनों सेवाएं एक जैसी हैं, एक जैसी तनख्वाह है। लिहाजा उन लोगों को जो सिविल डिफेंस में काम कर रहे थे, उन लोगों को या तो सिविल डिफेंस में कंटिन्यू करें या सिविल डिफेंस का नाम धन्यवाद मदन लाल जी होम गार्ड के लिए करके उनको नौकरी में दें, जिससे लोगों की बसों में सुरक्षा की भावना ज्यादा अच्छी रहे। और माननीय केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अच्छा, दो ही मिनट बोलेंगे आप? मैं 5 मिनट करूँ, ठीक है, एक बार इनको बुलवा देते हैं। माननीय सभापति महोदय, बैठ जाइए ऋतुराज जी, इनके पास। इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री मदनलाल जी द्वारा नियम 55 के तहत जो चर्चा शुरू की गई है कि दिल्ली के जिन मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया गया, इसके साथ हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ साथ बस मार्शल्स, इनकी बहाली हो, इसके लिए भाजपा विधायक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आदरणीय सभापति महोदया, मैं इसके साथ साथ आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं, इनकी संख्या भी लगभग 11,000 है, और इनको जो सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है 11,500 रुपया, और सहायिका को 6,500 रुपया, कम से कम इनको मिनिमम वेज दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं और इनको नियमित करने की भी मांग करता हूं। आशा वर्कर्स की संख्या दिल्ली में 6,500 है। विषय क्या है? देखिए, इस हाउस में ये मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर आप मुझे रोक, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म,
मैं दो मिनट में अपनी मैं दो देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस हाउस में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी ने जब मैंने ये विषय उठाया था तो उन्होंने इस हाउस को आश्वासन दिया था कि इन सभी जितने भी हमारे टेम्प्रेरी कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे गेस्ट टीचर्स हैं, ये विषय नहीं इस पर है, इस पर उन्होंने कहा तैयार होकर आए चर्चा कराएंगे। तो आप केवल केवल नहीं 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 गेस्ट टीचर नहीं नहीं गेस्ट टीचर्स को भी, वोकेशनल टीचर्स को भी, होम गार्ड्स को भी, डीटीसी के कर्मचारियों को भी और सफाई कर्मचारियों को भी और दिल्ली सरकार में जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं उन सभी को नियमित करने का फैसला किया। ऋतुराज जी बैठे, कुलदीप कुमार जी, कुलदीप कुमार जी अपना वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसके अलावा विदुड़ी जी ने जो भी वक्तव्य रखा उसे कार्रवाई से निकाला। विदुड़ी जी बैठ जाओ, कार्रवाई से निकाला जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, विदुड़ी जी बैठ जाओ। मार्शल्स के अलावा जो भी शब्द शब्द मेरी बारे हाँ वॉकआउट कर जाओ। विदुड़ी जी ने जाइए। कुलदीप जी धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने आज नियम 55 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया। और देखिए विदुड़ी जी चले गए और हमें पता था, हमें स्पष्ट था, इसलिए माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि जिस दिन इस सदन के अंदर बस मार्शल के ऊपर, डीसीडी वॉलंटियर के ऊपर चर्चा होगी उस दिन तैयारी से आइएगा। अब तैयारी तो थी नहीं कुछ, क्या तैयारी थी इनके पास, इसलिए सदन छोड़ के भाग गए। और यहाँ हमारे वो डीसीडी वॉलंटियर भी होंगे, बस मार्शल मेरी बात सुन रहे होंगे, आप देख लीजिए भाजपा का चरित्र क्या है। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो जो डीसीडी वॉलंटियर है, जो हमारा बस मार्शल है, दिल्ली के अंदर सबने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ 17 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती हुई बस के अंदर एक 23 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। और दुष्कर्म के बाद तब हम लोग सत्ता में नहीं थे, ना हमारी सरकार थी, हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आंदोलन किया और आंदोलन करके उसके बाद जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो। और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो हमारी डीटीसी की बस थी, उन डीटीसी बस के अंदर बस मार्शलों की तैनाती की गई। दिल्ली के अंदर जगह जगह डीसीडी फोर्स की तैनाती की गई, इसलिए की गई ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। बसों के अंदर पैनिक बटन भी लगाए गए, कैमरे भी लगाए गए। लेकिन आज मुझे सदन में कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने सुना कि किसी ने यह कहा कि अगर बस के अंदर पैनिक बटन लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, तो बस मार्शल की जरूरत नहीं है। अब तो मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली से हटा दो। दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं हमने दिल्ली में जगह जगह कैमरे लगा दिए, तो क्या दिल्ली पुलिस को घर बैठा दोगे आप? क्या अगर कहीं पर आप कैमरे लगा दोगे तो वहां से आप वहां की फोर्स हटा दोगे? क्या आप ये तय करना चाहते हो कि पहले कोई केस हो जाए, किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए और उसके बाद वो कैमरे में आ जाए, बस आप आरोपी को पकड़ लो? आपका मकसद क्या आरोपी को पकड़ना है? आपका मकसद, हमारा मकसद, इस सरकार का मकसद आरोपी को पकड़ना नहीं है, उस क्राइम को रोकना है ताकि दिल्ली की एक भी बहन बेटी के साथ वो बलात्कार ना हो सके, वो घटना ना हो सके। इसलिए बस के अंदर ये पूरे देश में मॉडल स्थापित किया गया कि बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई दोबारा निर्भया का केस ना हो इस दिल्ली के अंदर, इसके लिए बस मार्शल नियुक्ति की गई। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि 4 महीने से वो बस मार्शल, वो डीसीडी के वॉलंटियर, वो डीसीडी के वॉलंटियर जिन्होंने कोविड काल के अंदर इस दिल्ली के लोगों की सेवा की, दिल्ली के अस्पतालों में सेवा करी, जगह जगह जहां पर लॉकडाउन लगा था वहां पर सेवा करी, उन बस मार्शलों ने बस के अंदर सेवा करी, तैनाती करी, उनको जहां अवार्ड देना चाहिए था उनको अवार्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या दिया कि उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको नौकरी से हटा दिया। और मैं हर बार कहता हूं
कि नौकरी से हटाना कोई एक बार का फैसला नहीं है। आप अगर पिछले दो सालों में देखोगे पाध्यक्षा जी, तो पिछले दो सालों के अंदर हर टीवी डिबेट पर, चाहे वो देश का संसद के अंदर भी, भाजपा के सांसद, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, वो हर जगह एक बात कहने लगे कि ये जो डीसीडी के वॉलंटियर नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या 10,000 लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं? और दिल्ली वालों ने तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें दी हैं। दिल्ली का हर आदमी आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, दिल्ली का हर आदमी पार्टी को चाहता है। तो क्या आप पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हटा दोगे? आप दिल्ली से रोजगार खत्म कर दोगे? आपने ये कहकर, और देश की संसद में रमेश विदुड़ी जो उनके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। अरे आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर? और इनकी इस मानसिकता ने, मैं आपको एक वाकया दिलाता हूं, जब दिल्ली में बाढ़ आई तो आईटीओ के ब्रिज के पास पानी भरा था, उसके ऊपर आज तक की वैन खड़ी हुई थी। उस वैन में विजेंद्र गुप्ता जी आज है नहीं सदन में, उनको सदन की मर्यादा भंग करने के चक्कर में बाहर किया हुआ है। तो उन्होंने वहां खड़े होकर कहा, तो मुझसे पूछा, भाई आपकी क्या तैयारी है इस बाढ़ में? तो मैंने कहा, हमारे डीएम लगे हुए हैं, हमारे एसडीएम लगे हुए हैं, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लगे हुए हैं सेवा में। कह रहे वो तो केजरीवाल की फोर्स है, वो तो केजरीवाल के लोग हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं केजरीवाल जी की फोर्स को, जो आपदा के समय में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहती है। मैं तो धन्यवाद करता हूं, आप भी बनाओ ना ऐसी फोर्स, आप भी बनाओ कि जो लोगों की सहायता करे, जो लोगों की मदद करे, जो लोगों को जीवन दान दे। तो ये जो हमारे बस के मार्शल हैं, इनको तो हटाया, जो दिल्ली के अलग अलग विभाग में लोग काम कर रहे थे। एक और बताता हूं, गोताखोर, जब हमारे यहां कोई नाले में डूब जाता है, मेरे यहां हिंडन नहर आती है यूपी से, यूपी इलेक्शन की नहर है, और आए दिन उसमें हादसे होते रहते हैं। तो जैसे ही कोई उसमें डूब जाता है तो हम तुरंत फोन करते हैं एसडीएम साहब को कि भाई आप यहां पे गोताखोर भेज दो। आप सोचो, वो गोताखोर उसमें घुसते हैं, कोई जिंदा बच पाता है, कोई नहीं बच पाता, उसको उसकी बॉडी को ढूंढने में 2-2 दिन लगते हैं, ठंड का टेम्परेचर होता है, और वो वहां से उसको निकाल के लेके आते हैं, और घर वालों को शांति होती है कि हमारे परिवार के, हमारे बेटे की जो लाश थी वो मिल गई या वो जिंदा बच गया। उन गोताखोरों को हटा दिया, उन गोताखोरों को भी हटा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप भाजपा के चक्कर में इतने वो हो गए कि आप दिल्ली के बेटे बेटियों से, 10,000 से बड़ी संख्या के लोगों से आपको रोजगार देना चाहिए था, आप रोजगार छीनने लग गए, आप रोजगार छीनने लग गए, आपने उनको बाहर बैठा दिया। तो मैं तो कहना चाहता हूं सदन में कि जिन लोगों को इन्होंने निकाला है मार्शलों ने, मार्शलों को और डीसीडी वॉलंटियर को, उनकी तुरंत प्रभाव में उनको नौकरी पे वापस रखा जाए। और ये मैं सदन के माध्यम से कहता हूं कि उनको वापसी नौकरी पे बहाल किया जाए। और मैं उन्हें जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम सब लोग, मैं उनके धरने पे गया हूं पाध्यक्षा जी, मैं 3-3 बार उनके धरने पे गया हूं। वो लोग किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, करा पा रहे होंगे, उनको वेतन नहीं मिला 4-4 महीने से, वो 4 महीने धरने पे बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? क्योंकि उनका रोजगार चला गया, जिन लोगों ने 8-8 साल। और फिर बता दूं, ये सरकार जब आई तब इन लोगों को बस में मार्शल लगाया गया। ये कहते हैं रोजगार किसको दिया, हमने इनको रोजगार दिया 10,000 लोगों को, और आपने उन 10,000 लोगों का रोजगार छीन लिया। हम रोजगार देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप रोजगार छीनने वाले हो। तो भाजपा का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस पूरी दिल्ली के सामने पर्दाफाश हो चुका है कि इन्होंने किस साजिश के तहत, किस मानसिकता के तहत इन लोगों को हटाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया इन लोगों को। बसों के अंदर किसी ने यह नहीं कहा कि बस के अंदर, हम कहते हैं कि 20 नवंबर 2019 को एक मार्शल थे अरुण कुमार, उन्होंने 4 साल की बच्ची का अपहरण हो रहा था, उन्होंने उसके अपहरण होने को रोका, उसको बचाया, उस बच्ची की जान को बचाया। उसके बाद नवंबर 2019 में एक मार्शल थे संतोष कुमार, जो डीटीसी बस के अंदर थे, उन्होंने बस में से फोन चोरी होने से पकड़ा, उसको बचाया। कभी भाजपा के किसी नेता ने आज तक उनकी वीडियो वायरल करी नहीं की। वो वीडियो वायरल करते, देखो जी डीसीडी वाले हैं, ये कितनी बदमाशी करते हैं, ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को वर्दी बना देते थे और उनको बदनाम करने का काम करते थे। अरे ये मानसिकता छोड़ दो। तो इन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हटाया है वो भाजपा के कहने पे हटाया है, साजिश के तहत हटाया है। और मैं उनको कहना चाहता हूं कान खोल के, कि मैं फिर कहना चाहता हूं सदन के अंदर कि आप ये जो 10,000 लोग हैं ना, ये 10,000 लोग नहीं है,
एक के साथ 100-100 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, अगर इनकी नौकरी बहाली नहीं की ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों तुम्हें नानियां दिला देंगे तुम्हारे ये 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर। तो मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी नौकरी बहाली हो, इनका वेतन मिले, ये अपने घर में परिवार में खुशियों से वापस लौटें, मैं उसी के साथ अपने धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऋतुराज झा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है मैडम, वो कहता है कि दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर अ वुमेन, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ है। जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, इतनी बड़ी दिल्ली पुलिस है, इतनी सारी फोर्सेस है, उसके बाद भी, और ये कोई एक साल का रिपोर्ट नहीं है, ये जो है सो साल दर साल का रिपोर्ट है, उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ बदल नहीं रहा है, वो स्थिति और वर्स्ट का वर्स्ट होते जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो घटिया राजनीति का शिकार हो गया है। कुछ दिनों पहले भी मैंने कहा था, इस सदन में कहा था, जैसे ठंडा मतलब कोको कोला होता है, ऐसे गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी होती है। वो कैसे होती है आपको मैं, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली के अंदर में, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-layer सिक्योरिटी की एक तरह से एश्योरेंस दिया था दिल्ली की जनता को कि अगर बसें होगी, बस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पर महिलाएं सबसे उस समय में थोड़ी कतराती थी क्योंकि वो अनसेफ फील करती थी, तो उनको ये एश्योरेंस दिया गया, उनको एक सेफ फील कराया गया, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गई कि आपको हम 3-layer सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज ए पैनिक बटन, CCTV कैमरा एंड बस मार्शल। उसका नतीजा क्या हुआ सोचिए, बस मार्शल्स की जब नियुक्ति हुई महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसेस के अंदर, और CCTV कैमरे लगाए गए, पैनिक बटन्स लगाए गए, तो महिला कम्यूटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब फ्री बसेस कर दी गई तो उससे क्या हुआ कि महिलाओं का वर्कफोर्स पे बहुत ज्यादा वो बढ़ा, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जगह जगह दूर दूर तक महिलाएं जाने लग गई काम की तलाश में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हम सब ने देखा है कि किस तरीके से महिलाएं सेफ फील करती थी। CCTV कैमरा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई फिजिकली बस के अंदर में कोई मार्शल अगर मान लीजिए वर्दी में खड़ा है, तो एक महिला को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती थी कि आई एम सेफ, कुछ अगर ऊंचूक हो जाएगी तो कोई मेरा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बेटा है जो मेरी मदद करेगा। तो इतना अच्छा वो था। इन्होंने क्या किया, टेक्निकल बातें मदन लाल जी ने बहुत बताई कि किस साल में क्या हुआ, नहीं हुआ, फाइलें कैसे चली। मैं थोड़ा सा इसका वो बताना आपको चाहता हूं कि 2015 से लेकर के 2022 तक 7 साल तक सब कुछ लीगल था, इनको तनख्वाह भी मिल रही थी, ये ड्यूटी भी कर रहे थे, सब लोग जो है सो ड्यूटी पे जा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और 2022 में सब कुछ इलीगल हो गया। सरकार का काम होता है, कोई अगर पेज है, कोई लीगल पेज है, कोई टेक्निकल पेज है, तो उसका समाधान निकाले। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान सरकार के पास ना हो, हर समस्या का समाधान है। हो क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि जान बूझ करके ये 10,000 से ज्यादा जो लड़के लड़कियां हैं सब गरीब परिवार से आते हैं, प्रवासी लोग हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, झुग्गी बस्ती में रहते हैं, लेकिन अपना ईमानदारी से काम करके अपना परिवार को पालते हैं, ईमानदारी से करते हैं। इन सब का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, गंदी राजनीति के तहत किया, और ऊपर से इनको भड़काते हैं, इनको हमारी सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, हमारे नेता के खिलाफ भड़काते हैं। अभी 4 महीने से जब इनको ड्यूटी करना चाहिए, अपना परिवार पालना चाहिए, मैं एक एक परिवार को जानता हूं, किरारी के कम से कम 500 से ज्यादा, मेरे खुद के क्षेत्र के 500 से ज्यादा लड़के लड़कियां सिविल डिफेंस के माध्यम से उनको रोजगार मिला। वो बच्चे हैं क्या, कोई जो है सो अपने परिवार को चलाता है, कोई जो है सो किसी का माता पिता नहीं है अपने परिवार पे, अकेला एक अकेला व्यक्ति जो है पूरे परिवार को चला रहा था।
इन सारे गरीब बच्चों के साथ में अन्याय करने का काम किया इन्होंने, सबका रोजगार छीन लिया, ये नियम वो नियम। अरे मंत्री जी ने कह दिया कि भैया अगर कैबिनेट में ही लाना है तो कैबिनेट में ले आओ, पास हो जाएगा। कैबिनेट में लाएंगे भी नहीं, सरकार को बदनाम भी करेंगे, इनको नौकरी पे बहाल भी नहीं करेंगे, इनकी तनख्वाह भी नहीं देंगे, बोलते होम गार्ड लगाएंगे। अरे होम गार्ड लगाओगे तो इनको होम गार्ड में लगा दो, अल्टीमेटली इनका रोजगार भी नहीं जाएगा और महिलाएं सुरक्षित भी महसूस करेंगी। आज क्या हुआ, आज ये सब गंदी राजनीति के चलते बसें जो है वो मार्शल्स फ्री हो गई। अब कहते हैं कि अगर पैनिक बटन है, सीसीटीवी कैमरा है तो मार्शल्स की क्या जरूरत है। अरे ये कौन सी बात हुई, आप मुझे बताइए कि अगर सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो दिल्ली में तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा है, कल को कहेंगे दिल्ली पुलिस की क्या जरूरत है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा ही कर देगा। अरे सीसीटीवी कैमरे का अपना रोल है, मार्शल्स का अपना रोल है, सबका अपनी जिम्मेदारी है। आज इन गरीब बच्चों को जो कि गरीब परिवार से आते हैं, मार्शल्स के रूप में नौकरी कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे, देश के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, हमारी इकॉनमी में समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, सबको इन्होंने सड़क पे बैठा दिया, धरने पे बैठा दिया और ऊपर से इनको उकसाते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। हम आपसे माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं मैडम स्पीकर, कि जल्दी से जल्दी इन सभी गरीब परिवार से आने वाले बच्चे बच्चियों को जो कि मार्शल्स के रूप में ड्यूटी कर रहे थे, इनको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि अपनी ड्यूटी कर सके, अपना परिवार चला सके, सेवा कर सके और ये गंदी राजनीति बंद हो। जो भी समाधान करने की जरूरत है उसको किया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये गंदी राजनीति करना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र गोयल जी, वक्ता बहुत ज्यादा है, समय सीमा का ध्यान रखें आप सब लोग। पूरा ध्यान रखा जाएगा जी, धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया जो मदन लाल जी लेके आए। इस समय मैं कैमरे वालों से कहूंगा उस गैलरी की तरफ भी एक बार कैमरा अपना घुमा दें जो वो बस मार्शल बैठे हैं वहां पर। आप लोगों की आवाज इस सदन के अंदर उठ रही है और ये सरकार पहले भी आपकी नौकरी दी थी, आज भी आपको नौकरी दिलवाने के लिए यहां पर इस सदन के अंदर प्रस्ताव लेके आई है। तय आप लोगों को करना कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों की मंशा के ऊपर हमें कहीं पर शक नहीं है। यह ठीक है कि विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि यह केजरीवाल की पुलिस है, यह केजरीवाल की फोर्स है। मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं, यदि नेता विपक्ष के अंदर दम था, हालांकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी का दबाव है, गंदी राजनीति का वो भी शिकार है, क्योंकि ऐसी पार्टी ने तानाशाही मचा रखी है कि जिन लोगों को दिल्ली सरकार रोजगार देती है तो उन लोगों का रोजगार मिटाया जाए, ऐसी घटिया राजनीति इन केंद्र सरकार वालों ने कर रखी है। मैं उनको कहता हूं, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। आदमी को चाहिए, उन तानाशाहियों को बोल रहा हूं, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, ना जाने कौन घड़ी, वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। ये वक्त है, आपकी लगातार दो बार सरकार बनाई है केंद्र के अंदर, लेकिन जिस तानाशाही रवैये के ऊपर आए वो बहुत घटिया पण है। इन लोगों के रोजगार के साथ में मत खेलें। ये सिर्फ 10,000 आदमी नहीं है, 10,000 परिवारों का ये एक समूह है, उसके साथ में इनके रिश्ते भी होते हैं, वो रिश्तेदार भी है। आप लोगों से कहता हूं, आज इस सदन की कार्रवाई को आप वायरल करना, इस सदन की कार्रवाई को पूरे के पूरे में दिखाना
कि एक तरफ से केजरीवाल लगा हुआ है आप लोगों को रोजगार देने के लिए, आप लोगों को रोजगार दिलवाया था 2015 से लेकर 2022 तक, तो यह पॉलिसी बहुत अच्छी थी जिस समय अरविंद केजरीवाल लेकर आया। एक भी दुर्घटना नहीं घटी, एक भी बहन बेटी के साथ में कहीं पर किसी ने साहस नहीं किया किसी बहन बेटी के साथ में छेड़खानी। मैं सैल्यूट करता हूं इन बस मार्शलों को, सिविल डिफेंस के सभी वॉलेंटियर्स को, कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी को बहुत मुस्तैदी के साथ में निभाया है, तो परमात्मा भी देख रहा है आपको नौकरी मिल के रहेगी, ये सदन आप लोगों को आश्वासन देगा, क्योंकि केजरीवाल जो ठान लेता है उसको पूरा भी करता है। केजरीवाल के जितने भी सिपाही बैठे हैं यहां पर आप लोगों के लिए चर्चा कर रहे हैं, और आप लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए हमें यदि अंतिम सांस तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़के रहेंगे। जब 2015 से लेकर 2022 तक ये पॉलिसी ठीक थी, उस समय भी दिल्ली के अंदर चीफ सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी होते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, यदि इस पॉलिसी के अंदर खामी थी तो उस समय के मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी और उन सभी सेक्रेटरियों के ऊपर भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों का कसूर क्या था, इन्होंने सेवाएं दे रखी। तो जिस प्रकार से ये गंदी राजनीति हो रही है, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदनलाल भाई, जो प्रस्ताव आप लेके आए हैं आपको सैल्यूट करता हूं, और ये सदन पूरा का पूरा सदन एकजुट है। नेता विपक्ष बड़ी खूबसूरती के साथ में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, अरे ये सदन तो गेस्ट टीचर के लिए भी बिल लेके आया था कि उनको पक्का कर दिया जाए, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर मैं बहुत खास तौर पे कहता हूं, यदि हमारी सरकार बनाने के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हाथ रहा है तो शिक्षा के अंदर जितने भी टीचर लगे हुए हैं उन लोगों का रहा है, हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं उनका रहा है, शिक्षा और चिकित्सा के नाम के ऊपर ये तीन तीन बार सरकार बनाने का काम किया है। मैं सभी गेस्ट टीचर के लिए भी वो कहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी फाइल गई थी, अरविंद केजरीवाल ने जिस फाइल को भेजा था उसको वो पास करें, और इन लोगों के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सदन लगा हुआ है, और मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से यही दरखास्त करता हूं, एलजी साहब अच्छे और बुरे की पहचान होती है, आप बुराई के मोड़े मत चढ़ो, इन लोगों की बद्दुआ को मत लो, पता नहीं किस गरीब की आय कब खा जाए, आपके साथ में कब क्या नुकसान हो जाए। आज आपको लगते हैं कि आपके वो पैरोकार बैठे हैं, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की सोच को एक और सैल्यूट करता हूं कि इस सदन के साथियों को उन्होंने संसद के अंदर भी सिर्फ इसलिए भेजने का काम किया है कि वो दिल्ली के दर्द को जानते हैं, और मैं उन सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग यहां से दिल्ली से चुन के जाएंगे और दिल्ली की आवाज को संसद के अंदर भी बुलंद करेंगे। आप लोगों के हक के लिए आज दिल्ली विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, और कल आने वाले वक्त के अंदर दिल्ली के साथ में कहीं पर अन्याय होगा, आप लोगों की नौकरी के साथ में कहीं पर अन्याय होगा, तो उस सदन के अंदर भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ेंगे, ये काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात कहता हूं, नजर को बदलो, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलने की जरूरत नहीं मेरे साथियों, बस उसका रुख बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल। आज जो साथी हमारे इस सदन का हिस्सा है और आने वाले समय के अंदर वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, घबराने की जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल आपके लोगों के साथ में, आपका बिल पास होकर रहेगा, ये हम लोग कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी
विपक्ष के नेता घड़ियाली आंसू रोते हुए बाहर चले गए, क्योंकि वो जो है उनको सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर, जो पूरा देश जिस समय आपदा में जूझ रहा था, दिल्ली भी जूझ रही थी कोविड के दौरान, मुझे याद है उस समय बड़े बड़े लोगों का काम करने का जज्बा टूट रहा था, सभी लोग चाहते थे कि अपने घरों तक सिमट जाए, सभी लोग चाहते थे कि कहीं मैं बाहर ना जाऊं और कोई बीमारी ना लग जाए, सभी के परिवार वाले एक दूसरे को सलाह देते थे। उस समय दिल्ली में इन सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने न केवल अस्पतालों में, दिल्ली के, दिल्ली की सड़कों पर, उन जगहों पर जहां पे ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, ये विशेष जोन बनाया गया जहां पर जहां जाना आना रिस्ट्रिक्टेड था, वहां पर भी ड्यूटी करने का काम किया इन लोगों ने। स्पीकर महोदया, मैं तो सोचता था कि ऐसे निडर सिपाहियों को ऐसे आपातकाल में काम करने के बदले में सर्विसेज विभाग, चूंकि एलजी साहब के पास है अलोकतांत्रिक तरीके से, उनको इनाम मिलेगा हम सोचते थे। और अभी तक यही रहा परंपरा कि जो काम करता है उसको पारितोषिक मिलता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों ने क्या गलती कर दिया कोविड में ड्यूटी करके, अपनी जान की बाजी लगा करके, दिल्ली को बचाने का काम करके, सरकार का साथ दे करके क्या गलती कर दिया? इनको पीड़ा इस बात की नहीं थी, पीड़ा इस बात की है कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार खड़ी होती है कहीं पर, तो जब रोजगार का आंकड़ा देने की बात होती है तो एक लंबा फहरिस्त नजर आता है, वो इनको पीड़ा होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उस रोजगार की फहरिस्त को कम करना चाहते थे ये दिल्ली के युवाओं के हत्यारी सर, जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है एलजी के माध्यम से इन युवाओं को हत्या करना चाहती है। हमारी सरकार केवल सिविल डिफेंस कर्मचारियों को ही नहीं रोजगार देने का काम की, अलग अलग जगह पर कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, उनको भी निकालने का काम एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से करने का काम किया है। जल बोर्ड में बहुत सारे टैंकर पे बच्चे काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे बच्चे काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको निकालने का काम हुआ। अलग अलग एसडीएम ऑफिस में सिविल डिफेंस के कर्मचारी काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। अलग अलग ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों में काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। जहां भी कर्मचारी नहीं थे वहां पे सिविल डिफेंस के कर्मचारी जाके काम करते थे और सरकार का काम सुचारू रूप से चलता था। यानी कि इन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को निकालने के पीछे एलजी का एक ही मंशा था कि सरकार को पंगु बना दिया जाए और काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, अगर इनको हक और हकूक की लड़ाई लड़ करके देने रोजगार देना जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो इनको फिर से उनका जो हक है वो देने के लिए लड़ने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी ये कह रहे थे कि आंगनवाड़ी के लोगों को, जब हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी के लोगों का तनख्वाह बढ़ाया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 8-10 महीने तक उन कर्मचारियों के तनख्वाह का जो फाइल था वो भी इनके एल जी साहब पास करने से रोके हुए पड़े थे। घड़ियाली आंसू रो रहे हैं ये लोग। SC ST OBC के मामला उठाया अनुर राजिंदर जी ने, उनके रोजगार को मारने का काम कर रही है एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिविल डिफेंस के एक एक सिपाही के साथ खड़ा हूं। हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरा कैबिनेट
सिविल डिफेंस के एक एक कर्मचारियों के साथ खड़ा है और आपके योगदान की हम प्रशंसा करते हैं। जो आपने कोविड में काम किया है उसका कोई मोल नहीं है। थोड़ा सा भी अगर शर्म, थोड़ा सा भी इनके आंखों में मानवता होगा, हृदय में मानवता होगा अगर एलजी साहब के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, तो इनकी आवाज़ को सुनेंगे और उनको पक्का करने का काम करेंगे। आप चाहते हैं होमगार्ड की भर्ती करना तो होमगार्ड में कर दीजिए, लेकिन ये कहाँ की परिपाटी है, होमगार्ड में भर्ती करेंगे नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का बसों में, उनको निकाल के बाहर कर देंगे, ये कौन सी परिपाटी लेके आए। तो ना केवल ये युवाओं के दुश्मन है बल्कि महिलाओं के सुरक्षा के दुश्मन है। आज दिल्ली की महिलाएं सुन रही हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को बसों में लगाया गया था, इनको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने किया है। आप लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव में ध्यान रखना इन लोगों का क्या हालात करना है। पुनः मैं इनकी बहाली का मांग करते हुए इनका जायज हक का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा अपने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव झा जी, समय का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। फिलहाल तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर का ध्यान रखना है, उसमें समय थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए, इनकी पीड़ा बहुत बड़ी है। मुझे लगता है जो कुलदीप भाई मेंशन कर रहे थे कि 2012 में निर्भया की घटना हुई और वो दिल्ली में चलते हुए बस में हुई, उस आंदोलन में हम लोग पूरे दिल्ली में खूब लाठी डंडे भी खाए, खूब आंसू गैस भी झेले। तब लगा कि अगर बस में कोई सिक्योरिटी होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज हमारे अपोजिशन के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने ना केवल सदन से बल्कि सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर से भी वादा खिलाफी किया है। इसी सदन में उन्होंने कहा था कि आप ये प्रस्ताव को लेकर आइए और इस प्रस्ताव के साथ मैं खड़ा हूँ और जहाँ जहाँ जाने जरूरत में वहाँ वहाँ जाऊँगा। लेकिन आज जब चर्चा हो रही है तो चर्चा को छोड़कर वो भाग गए। ये बड़ी ही शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। और जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने कहा कि इस पूरी चर्चा को सिविल डिफेंस वॉलंटियर सदन में भी दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहे हैं और मुझे लगता है चर्चा बाहर भी देखी जा रही है। तो आप जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो झूठ आपकी चलेगी नहीं। तीसरी बात कि वो कह के गए कि बाकी कर्मचारियों को ही पक्का करो, हम तो तैयार हैं। इसी सदन में राजेंद्र पार गौतम जी ने ही प्रस्ताव लाया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। भागने तो आपको हम नहीं देंगे। आप जो ये भागने का तरीका निकाल रहे हैं वो भागने के तरीका इस्तेमाल नहीं करते, चर्चा उस पर भी होगी। लेकिन आज सिविल डिफेंस पे चर्चा इसलिए हो रही है कि लगातार 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं लोग, उनके पास अब कोई चारा नहीं दिख रहा है। वो जाएं तो जाएं कहाँ, वो कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। तो ये अलग से चर्चा सिविल डिफेंस वॉलंटियर की केवल इसलिए हो रही है क्योंकि ये 10,000 वो परिवार जिसके ये रोजी रोटी का आसरा था वो रोजी रोटी छिन गया है। हालांकि केंद्र सरकार से क्या ही उम्मीद किया जाए, वो तो जो आर्मी में जो बहाली होती थी उसको भी 4 साल का अग्निवीर योजना करके कर दिया। वो कहीं ना किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा मोदी युग आएगा बाप करेगा नौकरी बेटा रिटायर हो जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं कि बाप की नौकरी करते करते बेटा रिटायर हो जाता है, ये मोदी युग में ही हो सकता। तो उनसे बहुत उम्मीदें नहीं है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के हर एक अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है। आज ये जो 10,000 परिवार हैं, बिल्कुल ठीक रुताज भाई ने कहा, ये सब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,000 से ज्यादा वॉलंटियर सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं और वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर उनकी कई लोग जो मेरे ऑफिस में आते हैं अपनी अपनी बातें बताते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि उनका एक लड़का आया, उसके पिताजी को कैंसर है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
और पांच साल पांच महीने से वो नौकरी पे नहीं है, उसका घर कैसे चलेगा? अब वो अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पा रहा, अपने घर की रोजी रोटी नहीं चला पा रहा। वो कह रहा था कि मेरे पास सुसाइड के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से रोज जो कहानी, चूंकि सब गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, ये गरीब परिवार से आते हैं सब, कई लोग किराए पे रह रहे हैं, कोई 2,000, 3,000, 4,000 ये किराए पे रह रहा है। ऐसे लोगों की नौकरी छीनेंगे एलजी साहब तो आपको हाई लगेगी। कहां से इनकी बद्दुआ लेके जाओगे कहां तुम? कैसी राजनीति कर रहे हो तुम? अरे एलजी आज हो कल रहोगे, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे दुआएं मिले आपको, बद्दुआएं ले रहे हो आप। जैसा कि बाकी शादियों ने कहा, 2022 से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 2022 के बाद ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इलीगल हो गया? भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने कहा, एक प्रपोजल दिया, कहा कि भाई सैलरी के पैसे, दो महीने से सैलरी नहीं रुक रही, सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी के पैसे दो। और जो ही ये फाइल गई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये इलीगल है, इलीगलिटी है इसमें, भाई ये कैबिनेट का सैंक्शन नहीं ले 2015 में। तो फिर जो अभी बाकी साथियों ने कहा, गोयल साहब ने कहा कि अगर ये फिर इलीगलिटी है तो फिर वो सभी सेक्रेटरी जिम्मेदार है ना, सबको कार्रवाई करो। इस सिविल डिफेंस में कार्रवाई क्यों कर रहे हो? बच्चों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो आप? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? वो सभी सेक्रेटरी है जिसके समय में ये पैसे गए, फिर तो उनकी नौकरी जानी चाहिए थी, इलीगल काम हो गया। और आप कह रहे हो कि कैबिनेट नहीं हुआ तो कैबिनेट की सरकार तैयार, सरकार तो कह रही है, क्यों नहीं कैबिनेट में ला रहे हो आप? प्रपोजल भी बना। तो मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो दिल्ली की इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ जो बदला ले रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एलजी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए आप कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के क्लियर डायरेक्शन के बावजूद आप कैबिनेट में नहीं ला रहे हो? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसके बाद भी नहीं ला रहे हो? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिटर्न सीएम साहब को अप्राइज किया, सीएम साहब के कहने के बावजूद नहीं ला रहे हो आप? ये सरकार कैसे चलेगी? अगर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में मिनिस्टर का ऑर्डर सेक्रेटरी पे बाइंडिंग है और सेक्रेटरी नहीं मान रहा, कहां जाएगा? मैं आज सदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं कि अब आप एक ही आप आश्रय, सारे ऑर्गेन, सारे मशीनरी फेल हो चुका है। अगर ये फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता पे आफत आ जाएगी, चुनी हुई सरकार के पावर को खत्म किया जा रहा है। और मैं इस सदन को एक बात और कहना चाहता हूं, ये सदन एलजी के सेक्रेटेरिएट को सैलरी देता है, लेकिन एलजी का सचिवालय दिल्ली के जनता को और काम को रोकती है तो ये सदन एलजी के सचिवालय के सैलरी को रोक दिया जाए, नहीं दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय तीन निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात कि ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है, हमारे सारे साथियों ने बताया कि किस तरह से ये दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो अगर ये सिविल, अभी राजेंद्र पाल गौतम से बात भी हो रही थी कि अगर निष्काम सेवा की बात भी है, भैया 270 डेज मेरे ख्याल से क्लॉज है इन डिस्प्यूट एक्ट में कि 240 डेज, ये 240 डेज काम करते हैं इन डिस्प्यूट एक्ट के तहत, इनको फिर रेगुलर कर दिया जाए, ये रेगुलर हो जाए। दूसरी बात कि ये जो कैबिनेट के लिए फाइल बना था ये मिनिस्टर के पास सेक्रेटरी इमीडिएटली भेजे। तीसरी बात कि अगर इस फाइल को कैबिनेट अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया तो फिर ये 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी और हम सब लोग एलजी साहब को छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम बात, बहुत मैं इस सदन के माध्यम से सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, आप धरना खत्म कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे, सदन का साथ ही मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आपको साथ साथ चलेंगे
और जहां जहां चाहे कोई अफसर हो चाहे वो एलजी हो, जो फाइल को रोकेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री आतिशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, आज मैं सिर्फ एक विधायक होने के नाते नहीं, एक मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पढ़ी लिखी, दिल्ली में काम की एक महिला के नाते होने भी नाते से भी बोल रही हूँ। यहाँ पे हमारे सिविल डिफेंस के कई साथी भी मौजूद हैं, हमारे विधायक साथी भी मौजूद हैं, बहुत सारे अफसर भी मौजूद हैं। मैं आज इन सबको बताना चाहती हूँ कि आज से नहीं, दशकों से दिल्ली की बसों में, दिल्ली की डीटीसी महिलाओं में, डीटीसी बसों में महिलाओं का क्या एक्सपीरियंस होता है। चाहे एक बच्ची हो जो स्कूल जा रही हो डीटीसी बस के माध्यम से, चाहे एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो जो कॉलेज जा रही हो, चाहे एक कामकाजी महिला हो, एक महिला के लिए दिल्ली में दशकों से डीटीसी में सफ़र करना किसी महाभारत से कम नहीं रहा है। एक भरी हुई डीटीसी बस में वो चढ़ती हैं, वहाँ पे जो पुरुष हैं अलग अलग उम्र के भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, अश्लील व्यवहार करते हैं। कोई भी महिला डीटीसी बस में सिर्फ मजबूरी के कारण जाती थी, जिसकी स्कूल की बस नहीं होती थी, जिसका कॉलेज घर से दूर होता था, माता पिता भी ये कहते थे कि दूर के कॉलेज में मत एडमिशन लो, किस तरह का दुर्व्यवहार बसेस में होता है। मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की हमारी स्कूल की अपनी बस होती थी, मैंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की वो मेरे घर के पास होता था तो पैदल जाती थी कॉलेज। लेकिन दिल्ली की ज़्यादातर महिलाएं, दिल्ली की ज़्यादातर लड़कियां इतनी फॉर्चुनेट नहीं होती हैं, उन्हें डीटीसी बसों में स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें डीटीसी बसों के माध्यम से कॉलेज जाना पड़ता है, उन्हें डीटीसी बसों के माध्यम से फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकानों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, इतने सालों से दिल्ली की महिलाएं इस समस्या का सामना करती आई हैं। सरकारें आईं, सरकारें गईं, पार्टियां आईं, पार्टियां गईं, लेकिन किसी ने भी दिल्ली की लड़कियों के बारे में, दिल्ली की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 2015 में दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला। ये दिल्ली की लड़कियों का, दिल्ली की महिलाओं का सौभाग्य है कि उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह चलाया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो सिर्फ जिस तरह से अपने घर की बेटी, जिस तरह से अपनी बेटी, अपनी बहन की चिंता करता है, उस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की हर लड़की की चिंता करी, हर महिला की चिंता करी, एक भाई के तौर पे, एक बड़े बेटे के तौर पे। और वहीं से शुरुआत हुई इस बस मार्शल्स की योजना की। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि ये समस्या तो दशकों से चलती आ रही थी, लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले आज तक किसी ने समाधान के बारे में सोचा क्यों नहीं था। इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस बस में मौजूद हो जहां पर एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ अश्लील व्यवहार हो रहा है, तो वो वहीं पर उसी समय उस अश्लील व्यवहार को रोक सकता है, बस के माहौल को ठीक कर सकता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2015 से ही, जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब से इस बस मार्शल स्कीम को लागू किया गया। इसमें कई उतार चढ़ाव आए कि जी होमगार्ड को रखना है, सिविल डिफेंस को रखना है, जितने होमगार्ड रखिए वो हम रिक्रूट नहीं कर पाए, सिविल डिफेंस को रखिए, आधे आधे रखिए। लेकिन क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की लड़कियों की, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की और सम्मान की चिंता थी, हर बार जब इस काम को रोकने की कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने इसका कोई समाधान निकाला कि दिल्ली की बसों में बार मार्शल बने रहे। ये स्कीम लगातार चलती रही 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जनवरी 2023 से कुछ अजब हुआ कि वही अफसर जिन्होंने स्कीम की शुरुआत करी, वही अफसर जो इसके लिए पैसा रिलीज करते आए हैं,
वही अफसर जो महीने दर महीने बस मार्शल्स को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तनख्वाह देते आए हैं, वही अफसर जो इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल बनने के लिए रिक्रूट करते हुए आए हैं सालों से, वही अफसर फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगवाने लग गए। कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सवाल उठाया, उन्होंने पूछा जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कैसे रख सकते हैं आप बस मार्शल्स के लिए। कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को खुद रिक्रूट किया, खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भेजा, उन्होंने सवाल उठाए कि जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल्स के तौर पे कैसे रखा जा सकता है। कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जो इतने सालों से उनको तनख्वाह देते हुए आ रहे हैं, कहने लगे जी बस मार्शल की ज़रूरत भी है कि नहीं, बस में तो CCTV कैमरा लग ही गया, बस में तो पैनिक बटन लग ही गया। मैं उन सब अफसरों से कहना चाहूँगी कि आप तो खुद शोफर ड्रिवन गाड़ियों में चलते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि दिल्ली की लड़कियों को और दिल्ली की महिलाओं को किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। क्या करेगा CCTV कैमरा? CCTV कैमरा के माध्यम से कोई सुपरमैन कूद के आ जाएगा क्या बस में उस व्यवहार को रोकने के लिए? CCTV कैमरा तो जब कोई जुर्म हो गया, जब कोई दुर्व्यवहार हो गया, फिर कोई FIR करने जाए, पुलिस स्टेशन के धक्के खाए, तब तो CCTV कैमरा की फुटेज मांगी जाती है। क्या CCTV कैमरा एक बस मार्शल को, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर को रिप्लेस कर सकता है? ये सबको पता है कि बिल्कुल नहीं कर सकता। आज यहाँ पे अनेकों सिविल डिफेंस वॉलंटियर मौजूद हैं जिन्होंने बस मार्शल के तौर पे काम किया। मैं इन सबको सलाम करती हूँ कि पिछले 9 साल से लगातार ये दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के साथ बस में सफ़र करने का मौका दे रहे हैं। इतने इंसिडेंट्स हुए, एक बस में किसी एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी, वहाँ पे एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के तौर पे मौजूद था, उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को घसीट के लेके जा रहे हैं, उसने बस वहाँ रुकवाई और वो पीछे पीछे भागता हुआ गया देखने के लिए कि वास्तविक तौर पे जो व्यक्ति उस 4 साल की बच्ची को लेके जा रहे हैं वो उसके घर वाले हैं कि नहीं। उसने वहीं पर इंटरवीन किया, वहीं उसको रोका और इस 4 साल की बच्ची को किडनैप होने से रोका। ये काम किया है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने हमारी बसों में। जब महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार होता है, वहीं पर उस मौके पर वो लोग बस को रोकते हैं, उन लोगों को, अश्लील व्यवहार करने वालों को बस से बाहर करते हैं। इस बात को समझिए, और मुझे लगता है ये बात सभी दिल्ली वालों को समझनी चाहिए कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने बस मार्शल बनके दिल्ली की महिलाओं को ना सिर्फ सुरक्षित सफर करने का मौका दिया, बल्कि सम्मान के साथ, अपने आत्मसम्मान को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखते हुए सफर करने का मौका दिया। 2023 की जनवरी से बार बार सवाल उठे कि जी सिविल ये बस मार्शल्स को रखना है कि नहीं, CCTV कैमरा काफी है, पैनिक बटन काफी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को बताना चाहूंगी कि जब अलग अलग विभाग के अफसरों ने ये सवाल उठाने शुरू किए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ मुझे पता है पैनिक बटन है, हाँ मुझे पता है कि CCTV कैमरा है, लेकिन अगर हम इस देश के प्रधानमंत्री को 12 लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं, अगर हम एक मुख्यमंत्री को 5 लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो क्या मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को 3 लेयर सिक्योरिटी नहीं दे सकता? हाँ मैं CCTV कैमरा लगवाऊंगा, हाँ मैं पैनिक बटन लगवाऊंगा और उसमें उसके साथ साथ बस मार्शल्स भी रखवाऊंगा कि हमारी दिल्ली की बेटियां, हमारी बहनें बसों में सुरक्षित रहें। हमारे कैबिनेट साथी कैलाश जी, उन्होंने आदेश दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि बस मार्शल्स को कॉन्टिन्यू किया जाएगा। मैंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आदेश दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि उनकी तनख्वाह को रिलीज किया जाए। बार बार आदेश देने के बावजूद भी उनकी तनख्वाह को रिलीज नहीं किया गया और बार बार ऑब्जेक्शन लगाए गए। 25 सितंबर को कैलाश गहलोत जी ने CCTV और पैनिक बटन वाले मुद्दे पे बहुत क्लियर कट डायरेक्शन दी कि पैनिक बटन होने के बावजूद, CCTV कैमरा होने के बावजूद, ये सरकार का निर्णय है कि हम रखेंगे बस मार्शल। जितने पैसे की जरूरत हो महिलाओं को एक सुरक्षित सफर देने के लिए, उसका प्रावधान दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के आदेश के बावजूद, मेरे बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश के बावजूद, 31 अक्टूबर को
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिए कि सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा दिया जाए, उनको घर भेज दिया जाए। 31 अक्टूबर को ये ऑर्डर आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसके तुरंत बाद 1 नवंबर को मैंने फिर से डायरेक्शन दी। मैंने कहा कि जो आपकी बाकी सिविल डिफेंस वॉलंटियर पे ऑब्जेक्शन है उस पर हम बातचीत कर लेंगे, उसको हम लॉ डिपार्टमेंट को भेज देंगे, लेकिन बसों पे से मार्शल नहीं हटने चाहिए, ये महिलाओं की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश दिए कि आप अपने ऑर्डर को बदलिए और कम से कम बस मार्शल्स के तौर पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू करने दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदया बहुत दुख के साथ बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को ताक पे रखते हुए इस आदेश को नहीं माना। हमने एलजी साहब के पास भी फाइल भेजी, मुख्यमंत्री जी ने खुद एलजी साहब को लिखा कि कम से कम बस मार्शल्स के लिए तो आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू करने दीजिए, हम बाकी सब मुद्दे पे बात कर लेंगे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब जो हमेशा कहते हैं मैं दिल्ली वालों की बहुत चिंता करता हूँ, वो इस बात के लिए नहीं माने। और ये हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो सालों से दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देते आए थे, आज खुद सड़क पर पहुंच गए और बेरोजगार हो गए। अध्यक्ष महोदया, आप ये मत समझिए कि दिल्ली सरकार के अफसर खराब हैं, वो अफसर बहुत अच्छे हैं, वो ईमानदार हैं, वो काम करना चाहते हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, ये वही अफसर हैं जिन्होंने स्कीम को डिज़ाइन किया, ये वही अफसर हैं जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे बिजली दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब इन अफसरों को डरा रहे हैं, इन अफसरों को धमका रहे हैं। मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं जो कैबिनेट के मंत्री हैं, सब आपको बताएंगे कि ये सब अफसर हमारे दफ्तर में आते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है कि अगर हमने केजरीवाल सरकार के साथ काम किया, आपके आदेशों का पालन किया, तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हम पर विजिलेंस इंक्वायरी हो जाएगी। तो अध्यक्ष महोदया, ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाला गया है, ये जो बस मार्शल्स को निकाला गया है, इसमें अफसरों की भी गलती नहीं है। इसके पीछे, और शायद यही इनके भागने का कारण है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और इनके एलजी साहब हैं जो अफसरों को डराकर, अफसरों को धमकाकर इस प्रकार के आदेश निकलवा रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है? आपको हमसे नफरत है, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन आपकी नफरत अब इतनी आगे पहुंच गई है कि आपको दिल्ली की महिलाओं से नफरत हो गई है। आपकी नफरत इतनी आगे पहुंच गई है कि इन हजारों लड़के लड़कियों से आपको नफरत हो गई है जो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि यह एक लोकतंत्र है, ये जनता का शासन है। अगर आपको आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की नीतियां ठीक नहीं लगती हैं, तो आप चुनावी मैदान में उतरिए ना, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराइए। लेकिन इस प्रकार की घटिया राजनीति, इस प्रकार की गंदी राजनीति कि आप अफसरों को डराकर, अफसरों को धमकाकर अरविंद केजरीवाल के काम रोक रहे हैं, युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा छीन रहे हैं, इस प्रकार की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है। आज यहाँ पे बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मौजूद हैं, बहुत सारे जो बस मार्शल्स के तौर पे काम करते थे वो भी मौजूद हैं। आज मैं दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको वादा कर रही हूँ कि जिस तरह से जब भी दिल्ली वालों पर कोई संकट आया है, दिल्ली वालों पर कोई परेशानी आई है, अरविंद केजरीवाल जी एक कवच बन के, एक दीवार बन के सभी दिल्ली वालों के लिए खड़े रहे हैं। तो आज मैं इन सबको वादा कर रही हूँ, सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल से, कि आप लोगों की हक की लड़ाई अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा। और जब तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस नहीं लगाया जाता है, हम इन लोगों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी। अध्यक्षा महोदया, ये मामला मेरे विभाग का नहीं है, आतिशी जी के विभाग का है, इसलिए मैंने अपना नाम स्पीकर पे नहीं दिया हुआ था। मगर जब मैंने संजीव झा जी को सुना, मुझे लगा मुझे भी एक विधायक के तौर पे अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस विषय की तैयारी नहीं की तो बहुत ज़्यादा तकनीकी बात मुझे नहीं समझ में आई। मगर एक तकनीकी बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि अफसरों को ये कहा गया है कि आप फाइल पे कुछ भी उलझुल लिखिए, कोई भी कुतर्क डालिए, सरकार की पॉलिसी को रोकिए। और अफसरों को ऐसे कुतर्क फाइल में लिखते हुए ना तो शर्म आती है, ना उन्हें इस चीज का अंदाजा होता है कि कल को आप फाइल पे अपनी कलम से जो बकवास लिख रहे हैं उसके लिए आपको सजा हो सकती है, आप क्रिमिनल काम कर रहे हैं। भाई, आप अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र नहीं लिख रहे हैं जिसमें आप जो चाहे लिख दें, आप एक सरकारी फाइल पे अपने दस्तखत से एक आईएएस अफसर लिख रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है कि तुम जो कुतर्क लिखना है लिखो, इस फाइल पे तुम्हारा कुछ होगा नहीं। वरना हिम्मत है किसी आईएएस अफसर की कि वो फाइल पे लिख रहा है क्योंकि सीसीटीवी बसों में लग गए हैं तो आपको बस मार्शल की जरूरत नहीं है? ये तो कोरी बकवास है भाई। सीसीटीवी तो आपके एलजी हाउस में भी बहुत सारे लगे हुए हैं, आप क्यों इतनी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं? छोड़िए आप अपनी सिक्योरिटी, मैं एलजी साहब को इस सदन की तरफ से एक मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, आपके यहां बहुत सारे सीसीटीवी लगे, मैंने देखे, और लगवाने हैं तो बता दीजिए, आतिशी जी और लगवा देंगी। आप अपनी सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, कब छोड़ेंगे बताइए, छोड़ेंगे? और जिस अफसर ने लिखा है इस फाइल पे, वो अफसर भी एक पुलिस वाला लेके घूमता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो क्यों लेके घूम रहा है? सीएस खुद अफसर लेके घूमते हैं, पुलिस के अफसर लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? वो भी छोड़ दे भाई, जहां वो रहते हैं वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, जहां वो जिस सचिवालय में काम करते हैं वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, दिल्ली की हर सड़क पर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप भी अपनी सिक्योरिटी छोड़िए। ये कुतर्क कोई कैसे दे सकता है कि क्योंकि बस में सीसीटीवी लगा हुआ है तो बस मार्शल की जरूरत नहीं? मैं हैरान हूं। सिर्फ और सिर्फ ये कुतर्क इस फाइल में नहीं दिए गए अध्यक्ष महोदय, हर फाइल में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल हो जहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाल दिया गया, ओपीडी के अंदर बेचारे गरीबों के बच्चे ओपीडी कार्ड बनाते थे, एक फैसला किया गया सारे ओपीडी के जो बैठने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर है उन सबको निकाल दिया गया, एक फैसला दिया जो फरिश्ते स्कीम थी उसका पैसा सरकार की तरफ से रोक दिया गया, एक फैसला दिया जल बोर्ड की जितनी पेमेंट थी जितने ठेकेदारों की सारी पेमेंट रोक रखी है, जगह जगह जो है सीवर की पानी की परेशानी हो रही है, सारे फैसले अफसरों के कुतर्क द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये अफसर कुतर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शह है कि आप निहायत बकवास फाइल पे लिखें, कुतर्क लिखें, उन कुतर्कों के ऊपर हम सारी की सारे काम जो है दिल्ली सरकार के रोक देंगे। अब ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर बड़े भोले भाले, हालांकि इनको इतना भोला भाला होने का हक नहीं है, ये इतने भोले भाले हैं कि इनको अभी तक यही समझ में नहीं आया कि इनकी नौकरी कैसे गई, इनको गुमराही किया जा रहा है। भैया, आप ये बात डिसाइड करिए, समझिए, जिन अफसरों ने आपको नौकरी से निकाला वो अफसर एलजी साहब के आंख के तारे हैं, ये मैं पूरे विश्वास से और पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूं। क्यों? जिस ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने इन गरीबों को निकाला उस ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को एलजी साहब ने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी बना लिया सबके सामने,
तो एलजी के आंख के तारे हुए ना, ब्लू आइड बॉय हुए। दूसरे अफसर रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अश्विनी कुमार, उनको भी एलजी जो है अपने साथ रखते हैं, उनके बारे में कई शिकायतें हुई, उनको भी हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो जो अफसर दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा अटका रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हों एसी वर्मा जी, चाहे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हों अश्विनी कुमार, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हों कुंद्रा आशीष कुंद्रा, क्या एलजी साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है कि तुमने 10,000 बच्चे निकाल दिए, तुम्हारे ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी? अब संसद के चुनाव है, सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनके इलाकों में हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, क्यों नहीं जाते? आपको जाना चाहिए सांसदों के पास। अपने सांसदों को आप कहिए कि आप हमारे साथ एलजी साहब के घर चलिए और इन अफसरों को नौकरी से हटाइए। क्यों नहीं हटाएंगे एलजी साहब? हटाएंगे भाई, या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं। अगर आपके साथ हैं तो लेके जाओ उनको एलजी साहब के घर और बोलो भाई इन अफसरों को हटाया जाए, इन्होंने हमारे को नौकरी से हटाया। और अगर वो सांसद आनाकानी कर रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वो अफसर, ये सारे मिले हुए, और हमें जब कहो हम तब चलने के लिए तैयार है एलजी साहब के। हम तो उससे आगे की बात करेंगे कि ना सिर्फ इनको निकाला जाए, इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, इनको जेल में भेजा जाए। भाई आप ऐसा कुतर्क लेके कैसे निकाल सकते हो हजारों बच्चों को? तो ये बात जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अब समझनी पड़ेगी। इतना भोला भाला रह के जो है देश में आप नहीं चला पाओगे। आप इसको तय करो, या तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है या दिल्ली सरकार आपके साथ है, और तय कराओ। ये गोलमोल करने के चक्कर में सारे गेस्ट टीचर जो थे वो आउट हो गए, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ कौन है और कौन उनके खिलाफ है। एलजी साहब उनको गोलमोल करते रहे। हमने विधानसभा के अंदर कई बार रेजोल्यूशन पास किए, उसके बावजूद जो है उनको नहीं रखा गया, ना उनको नंबर दिए गए। इनको ये कह के बेवकूफ बनाया गया कि आप सबको होमगार्ड की तरह से जो है ले लेंगे, और जब होमगार्ड की भर्ती निकाली है तो उसके अंदर जो है इनको कोई तरजीह नहीं दी गई है, मात्र मुझे लग रहा है छोटा सा 5 नंबर इनको दे दिए गए, उससे इनका कुछ नहीं होगा। ज्यादातर ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे उसमें, अंदर उसमें क्वालिफिकेशन डाल दी गई है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को गुमराह किया गया, इनको बेचारों को बेरोजगार किया गया, और इनको फिर वहां पे धरने पे बिठा दिया गया। नहीं भाई, तुम जो सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ के धरना दो। अब बेचारे देते भी रहे, बट उससे होगा क्या? जहां पे पावर है आपको उसके ऊपर जो है दबाव डालना पड़ेगा। ये आपने मुझे मौका दिया अध्यक्षा महोदय, मैं तैयारी से नहीं आया था, बट मेरा बड़ा मन था कि मैं इस बात पे अपनी बात रखूं। आपने मुझे मौका दिया और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज इस कुर्सी पे, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 29 फरवरी। चाहता हूँ जो बहाना बना के वो गए हैं वो सदन में, वो रेजोल्यूशन आए उस पर पास हो, चूँकि पहले इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ और माननीय स्पीकर साहब ने कहा था आप रेजोल्यूशन लाइए, उसको सदन में पास किया जाएगा, ताकि हम जो विपक्ष है जो बहाना बना रहा है टालने का, वो टालने के बहाने से बच सके। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी लगा दी है, आप परमिशन दें ताकि उसको रेजोल्यूशन को लाया जा सके। आपने लिखित में दिया? लिखित में मैं दे चुका हूँ। आपका विषय को कल संज्ञान में ले लिया जाएगा। शुक्रिया। सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 29 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी विधायक साथी लंच के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। Thank you.